खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है सैयद मुजम्मिल साहब को, और ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि जिसमें हम तमाम उन लोगों को बुलाते हैं, मदऊ करते हैं कि जो हमारी तालीम का, तरबियत का किसी ना किसी सूरत ख्याल रखते हैं, हमें बताते हैं कि दुनिया को देखना किस तरह है। और हमारी कोशिश ये होती है कि उनके डिस्कोर्सेस को छोड़कर, उनके आइडियाज़ को छोड़कर, दीवार के पीछे, एक स्क्रीन के पीछे वो शख्स खुद कैसा है, वो चीज़ों को किस तरह देखता है, उसे देखा जाए। क्योंकि मेरी ज़िंदगी आज तक मुझे उसने यही सिखाया है कि एक इंसान वही होता है जो कहानी उसको बनाती है उसकी ज़िंदगी की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सैयद मुजम्मिल की ज़िंदगी की कहानी सुन सकें और समझ सकें। मुजम्मिल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और दोबारा वक्त देने का, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल आप ऑनलाइन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत शुक्रिया। और मैं यकीनन ऐसा ही है कि आजकल कोशिश होती है कि फिजिकली कहीं जाकर अगर अपीयर हो जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यूज काफी हो चुके हैं। बट सिंस लास्ट एपिसोड जो था आपका, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और प्रोग्राम्स वगैरह करता रहा हूँ, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग का अंदाज है या फिर जो बड़ा प्रिसाइज और टू द पॉइंट आप बात करते हैं, तो उसने मुझे इनकरेज किया कि लेट्स डू दिस अगेन बिकॉज इट इज मीनिंगफुल। सो थैंक यू टू यू एज वेल फॉर थिंकिंग अबाउट इट अगेन। थैंक यू मुजम्मिल। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आप इस ज़िंदगी के बारे में बात कर सके। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपके पास एक लफ्ज़ हो या इंतहाई मुख्तसर अल्फाज हो और आपको कहा जाए कि मुजम्मिल को डिफाइन करें, तो कैसे करेंगे? काफी अल्फाज हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन जो दिमाग में आ रहा है वो है कॉन्ट्रेरियन या फिर समबडी हू इज वेरी क्रिटिकल। तो आप कॉन्ट्रेरियन इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक केस बिल्डअप किया जाए, जो कि जिस तरह आपको पता है कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, कोई बच्चा तालीम लेने के लिए स्कूल गया या अकेडमी में गया है, या फिर उसके दोस्तों का एक ग्रुप है वहां गया, या फैमिली में बैठा हुआ, तो जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको जिससे सब इतफाक कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा दिमाग जो हमेशा उसका उलट ही सोच रहा होता है और वो उसमें से कोई लूप होल निकालने की कोशिश करता है। अब इस पे तंज भी किया जाता है हमारे ऊपर, लेकिन ये इतनी अनहेल्दी चीज नहीं है। तो यही कह सकता हूँ कि आई थिंक आई वॉज कॉन्ट्रेरियन फ्रॉम डे वन, के जो भी एक अक्सरियत के जो अकायद होते हैं या फिर अक्सरियत की राय होती है उससे काउंटर चलने का शौक था, तो वही कह सकते हैं। हम आगे चलते हैं मुजम्मिल। अगर आप पुराने वक्त को याद करें, मुझे नहीं पता आपको इस सवाल का कितना अंदाज़ा होगा कि आपका नाम ये किस तरह फाइनलाइज हुआ था। वाई वर यू नेम्ड मुजम्मिल दुनिया में इतने सारे नामों में से? इस पे इतनी वैसे रिसर्च तो नहीं की, लेकिन आई गेस ग्रैंड पेरेंट्स जो मेरे थे, वो मेरी नानी थी, ग्रैंड मदर जो थी, उन्होंने शायद एडवाइस किया था कि ये रख लीजिए आप पहले। मतलब वो 50-50 का एक जो है ना वो केस था कि या जैन रख लें या मुजम्मिल रख लें, तो फिर इन्होंने यही चूज कर लिया। तो अल्टीमेटली दैट्स व्हाट आई नो अबाउट इट। हो सकता है इससे ज्यादा भी डीपर स्टोरी हो, तो वो कभी पूछ के फिर आपको बता देंगे। थैंक यू मुजम्मिल। अब हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपके पेरेंट्स के बारे में बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली वो पहली तालीम गाह भी होती है, दर्सगाह भी होती है। अच्छा या बुरा ये आप वहीं से सीखते हैं। मुझे अपने घर के बारे में बताइए जहाँ आप बड़े हो रहे थे, और ख़ास तौर पे उसमें आपके पेरेंट्स का, वालदा का और वालिद का, दोनों का क्या किरदार था? काफी मैं समझता हूँ कि गैर मामूली था। उसकी वजह यह है कि एक तो एक फैमिली लाइफ जो पाकिस्तानी होती है उस तरह की नहीं थी, और शायद वो रिफ्लेक्ट भी करती है पर्सनैलिटी में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो मुशाहदात इंसान के होते हैं, तजुर्बा जो होता है, उसका एक्सपीरियंस जो होता है, उसकी अमलगमेशन और उसका मजमुआ होता है इंसान। तो हमारे साथ भी इस तरह था कि एक गैर मामूली सूरत हाल ऐसी थी कि कभी मैं पैदा हुआ था विहाड़ी में, तो कभी वहां से यहाँ आ रहे हैं, कभी यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो इंस्टेबिलिटी पहले दिन से देखी जब से होश संभाला। और उसमें यह था कि किसी स्कूल में एक साल से ऊपर नहीं पढ़े और जंप करते गए, और उसके अलावा वालिदैन के साथ भी इसी तरह का रिलेशनशिप था जो इतना सस्टेनेंस वाला नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद साहब का बिजनेस वहां पर था और हम यहाँ पर आ गए थे तकरीबन 5वें ग्रेड के अंदर, तो इसीलिए वो कहना कि एक एक कंप्लीट फैमिली लाइफ वो नहीं थी, उसमें डिसइंटीग्रेशन भी थी और इश्यूज भी थे। लेकिन पेरेंट्स की जहाँ तक आपने बात की, तो उसमें यही था कि कोई तालीम याफ्ता बहुत नहीं था। 16 साल की तालीम ना मेरी वालिदा ने हासिल की ना वालिद ने हासिल की, दोनों ने नहीं की। और मेरी फैमिली के अंदर भी मेरा ख्याल है कि शायद मेरे सिबलिंग्स में से ही कुछ होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, इससे पहले किसी ने नहीं की। तो कोई ऐसा खानदान नहीं था। बहुत से लोग समझते हैं कि बड़ा कोई ऐसा खानदान है जिसमें दादे परदादे बहुत पढ़े लिखे थे और बचपन से भी हमें वो इनहेरिट किया हमने, और बड़ा आसान था घर में, बड़ा जो है ना वो ट्रेडिशंस थी इस तरह की बिल्कुल नहीं थी। तो वालिद साहब मेरे काफी अरसा जर्मनी भी 5-6 साल गए, शादी से पहले गए अपने,
और वहां पर सेटल नहीं हुए, वापस आ गए। और मेरी वालिदा जो थी वो लाहौर से हैं वैसे तो, लेकिन उनकी पैदाइश मानसहरा में हुई थी, तो शी इज फ्रॉम द नॉर्थ एक्चुअली। तो वो इस तरह था कि मेरे वालिद के खानदान में बहुत से लोगों की शादियां अपनी फैमिली में ही हुई हैं, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मैरी आउट ऑफ द फैमिली, क्योंकि वो गुजरात में उनका खानदान था लेकिन उन्होंने लाहौर में शादी की मेरी वालिदा से। तो फिर घर में कोई जो रिलेशनशिप था पेरेंट्स के साथ वो कोई बहुत खुशगवार नहीं था, और अपने वालिद के साथ इतना टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया। माई मदर वॉज वेरी कीन टू गेट अस एजुकेटेड, कि तालीम इन्होंने हासिल करनी, क्योंकि जो माहौल उन्होंने वहां जाकर देखा कि लाहौर में एक खातून अगर पढ़ी हो तो जब वो छोटे शहर में जाती है तो खौफ ज्यादा हो जाती है वहां पे, कि यार अगर ऐसा मतलब मेरे बच्चों को ऐसी तालीम मिली है यहाँ पर, वो डिप्राइव्ड रह गए एजुकेशन से तो क्या होगा। तो उनके जहन में एक फियर था कि इनको मैंने ऐसा नहीं बनाना, कि जिस तरह वहां पर यूनिवर्सिटीज उस वक्त नहीं थी, अब तो हैं, तो ये जो है कुछ ना कुछ करें, कोई एजुकेशन लें। तो उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें कि उन्होंने इस पे इंसिस्ट किया, सारा कुछ किया। बट रिलेशनशिप मेरा जहां तक ताल्लुक है वो कोई ऐसा नहीं था जो बहुत मेमोरेबल हो, दैट्स व्हाट आई कैन से। वॉज देर ए स्पेसिफिक रीजन, कोई कोई बोन ऑफ कंटेंशन था कि पेरेंट्स से अच्छे रिलेशंस, अच्छे तो नहीं लेकिन खुशगवार नहीं थे जैसे आपने खुद कहा? हाँ, बिकॉज आई थिंक दे डिड नॉट अंडरस्टैंड मी। और इवन के इसके अलावा जो मेरे सिबलिंग्स थे या दोस्त थे या किसी को भी मैं ले लूँ ना, कि कोई ऐसा शख्स याद करना हो कि यार अर्ली लाइफ में जिसको समझ आ गई हो कि यार इस बच्चे ने क्या करना है, इसके दिमाग में क्या है, देयर वाज नोबडी। उसकी वजह यह कि आप ऐसे माहौल में बैठ के अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है कि आप सोचना कुछ और चाह रहे होते हैं, करना कुछ और चाह रहे होते हैं, तो एक बड़ा स्ट्रेट सा पाथ होता है ऐसी लाइफ में। पाकिस्तान की जो अंडरग्राउंड लोअर मिडिल क्लास लाइफ है उसमें बड़ा सीधा रास्ता होता है, कि आपने आपके सामने 3 से 4 ओपिनियंस हैं, 3 से 4 आपके पास रास्ते हैं, इंजीनियर डॉक्टर या ग्रेजुएट वो बने आप, आपने नौकरी की, आपने शादी की, आपने बच्चे पैदा किए, वालदैन को संभाला। इसके अलावा अगर आप कुछ करना करने का सोचने भी जा रहे हैं तो पहले तो आप वैसे ही पागल लगना शुरू हो जाते हैं लोगों को, क्योंकि वो कहते हैं कि यार इसके साथ कोई शायद पैदाइशी इशू है कि इसको हर बात में कीड़े नजर आ रहे हैं, या ये ऐसी बात करता है जो प्रैक्टिकली नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने एक मेडियोक्रिटी वाली जिंदगी पे मुझे फिक्स करने की कोशिश की, एंड दे कुड नॉट डिस्कवर वट एवर आई हैड, जब तक मैंने खुद उठ के साबित नहीं कर दिया। तो आखिरी पॉइंट तक उन्होंने यही समझा कि ही इज वन ऑफ द अदर पीपल जो कि हमारे खानदान में है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा या जो बाकी लोग थे वो बुरे थे, मैं कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ शख्सियत या अकायद जो होते हैं उसकी समझ या वो फिट इन नहीं करते यहाँ पे। तो वो था कि एक छोटे शहर से उठ के यहाँ पर आना, तो मैं समझता यही था कि दे फेल टू अंडरस्टैंड मी एक्चुअली, और काफी उसमें यह था कि अंडरमाइन करने वाली बात भी बहुत थी, क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं जा रहा, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, या मैं किसी महफिल में बैठ के बात नहीं कर रहा, तो सबने ये सोचा कि ये बेवकूफ है, क्योंकि इसका दिमाग खाली है, इसको बात करनी तो आती नहीं है, इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या फिर इसको इतना पता नहीं है कि सोशलाइज कैसे करना है। मर्द वो जो होता है ना टॉक्सिक पेट्रियार्की, यहाँ के पितरशाही निज़ाम है, मर्द को ऐसा होना चाहिए कि वो बाहर उसके 25-30 दोस्त हों और वो लड़ाइयाँ लड़ें, जाके किसी का सर फाड़ के आ जाएं, किसी को घसीटें गली में, मुकदमे 3-4 हों, तब समझ आती है कि यार हाँ ये मर्द है, ही समबड़ी जो जिसको आप कह सकते हैं कि यार ये तगड़ा इंसान है। तो वहां पर एक रूरल बैकग्राउंड में मर्द की डेफिनेशन वो थी, अब मैं उस पर पूरा उतरा ही कभी नहीं। तो पहली चीज तो वो आ गई कि यार ये तो बाहर बैठ ही नहीं रहा, इसके तो बाहर दोस्त नहीं है, या इस तरह से सोशलाइज नहीं कर रहा। और दूसरी ये थी कि तालीम में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, जो इदारा जाती तालीम थी। मैं इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिर्फ डिसिप्लिन करने के लिए होती है, सिखाने के लिए नहीं होती कुछ भी। तो उसमें जितना वक्त गुजारा कि मैं घर आ रहा हूँ कॉलेज से या स्कूल से, और मेरे सामने 8-10 किताबें खुली हुई हैं, और मेरा दिमाग सो रहा है, सुबह 6 बजे का मैं उठा हूँ, और मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है कि मैं मजीद डिप्लीट हुआ हूँ और इसमें मजीद एनर्जी इन्वेस्ट करूँ, और 4 बजते हैं तो एकेडमी जाने का टाइम हो जाता है, फिर मैंने वो बस्ता उठाया हुआ मैं जा रहा हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्लासरूम में क्या बात हो रही है, अगला टेस्ट किस तारीख को है, आई यूज टू बी कम्प्लीटली लॉस्ट। उसकी वजह यह है कि इतनी बॉम्बार्डमेंट होती है आप पे डिसिप्लिन की और कंपल्जन की, कि आपको मजबूर करते हैं। तालीम वो नहीं होती कभी भी जो आपको मजबूरन या एक भारी दिल से हासिल करनी पड़े। अब मैंने जितना फलसफा पढ़ा है जिंदगी के अंदर, मुझे किसी ने नहीं कहा कि शाम को तुम्हारे से सुनना है, पढ़ के सुनाओ, मतलब सब सब का सब वॉलंटरली खुद ही शौक से दिल किया और पढ़ता गया उसको, और जो चीजें मार के पढ़ाई गई या फिर जिन चीजों पे इंसिस्ट किया गया वो आज उसका एक लफ्ज भी याद नहीं है। तो इसीलिए एक तो तालीमी निज़ाम, उसमें जो सफरिंग थी वो पैरेलल चल रही थी, उसकी बेस पे घर में जज किया जाना कि यार ये तो किताब के साथ बैठता ही नहीं है। तो होता ही था कि 11 महीने में टेस्ट में फेल होता था और फाइनल्स में फर्स्ट आ जाता था।
क्योंकि एक महीना पढ़ता था एंड पे, और आई यूज टू गेट लाइक 85-87% कंसिस्टेंटली फॉर लाइक 7-8 ईयर्स। और मैंने अभी रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट में बताया कि मुझे कोई शौक नहीं था उस तरह का, लेकिन घर से वो एक टारगेट मिला हुआ था ये करना, तो वो करके दे दिया करते थे उनको कि ले आप खुश हो, मैं उधर का उधर ही। तो ये चीज़ है कि वो जो तल्ख एक्सपीरियंसेस हैं उसमें एक तो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना, ये ना सोचना कि ये वो तालीम नहीं है, सिर्फ डिग्री मिल जाएगी इसके बाद और क्या होगा, और दूसरा ये कि सोशल लाइफ ना होने पे जज करना, और ये समझना कि अगर जो बात कम करता है वो बेवकूफ होता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट का लफ्ज किसी ने सुना ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो यही है कि आपके पास एक ही तरीका है जिंदगी है, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो आप जाहिल भी हैं, बेवकूफ भी हैं, गद्दार भी हैं, काफिर भी हैं, सब कुछ ही है। तो एक टोटलिटेरियन सोसाइटी में इसीलिए मैं ये चीज समझता हूँ, और मेरे तजिए में भी आपको ये नजर आएगा कि मैं ये नहीं कहता कभी कि सब कुछ रियासत ने किया है या हर चीज स्टेट कर रही है ऊपर बैठ के, क्योंकि मैंने ये खानदानों के अंदर या जो मुआशरे के अंदर जो डीपली इंग्रेंड चीजें हैं उनकी मारें ऐसी खाई हुई हैं कि मुझे मालूम है कि ये जनरल बाजवा ने या किसी और ने नहीं कहा कि ऐसे अपने बच्चों को ट्रीट करो, क्योंकि आपकी जहनीयत ही ऐसे इवॉल्व की है जो आगे नहीं बढ़ पा रही। सो दैट्स अबाउट इट, ये बड़ी रीजंस हैं जिस वजह से इट्स नॉट अ टाइम टू मेमोराइज। और लास्टली, अब कैसा रिलेशन है पेरेंट्स के साथ? अब जब आपको लोग जानते भी हैं, यू हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ, अब वो समझते हैं, अब उन्हें लगता है कि यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स? वेल आई थिंक दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन टू एंडोर्स व्हाटएवर आई से, क्योंकि अब इस पॉइंट के ऊपर आके यही तो एक चीज है कि मैं समझता हूँ कि तमाम रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना उसमें एक बैलेंस ऑफ पावर होता है, एक मतलब जो बेलॉस रिलेशनशिप्स होते हैं ना या जो अनकंडीशनल होते हैं वो सिर्फ शायद फिल्मों में दिखाए जाते हैं या कोई और चीजें होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मोहब्बत नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको केयर नहीं थी या मुझे नहीं थी, बट कहना ये है कि जो एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं वो बड़े हार्श रहते हैं। तो अब ये है कि जब आप पावर अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद टर्म्स आपकी होती हैं और फिर आप अपने एम्बिट में रहने लग जाते हैं। तो अब तो खैर दे आर प्राउड ऑफ मी और दे स्टे केयरफुल एज वेल, और बड़ा एडवाइस भी करते हैं, खासतौर पर मेरी वालिदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती आई हैं कि छोड़ दो ना बोलो, बहुत दफा तो बहुत ज्यादा सूरत हाल बिगड़ गई कि उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि इसके बाद या तो चले जाओ यहाँ से या फिर ये सब छोड़ दो। तो खैर मैं उस पे इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं इमोशनली सोचने का कायल नहीं हूँ इतना, जब जब भी इमोशनली ज्यादा सोचा उसका नुकसान हुआ मुझे। तो उसका यही है कि फिर अब आकर दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, स्पेशली माई फादर, बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू डू दिस एज वेल। और ये मैंने उनका ख्वाब पूरा नहीं किया कोई काम करके, ऐसा अगर मैं टीवी पे प्रोग्राम कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, सो ही वॉन्टेड टू सी मी डूइंग दैट। मेरा अपना कोई खास इतना बड़ा एम नहीं था, क्योंकि मेरा वो एम्बिशन इतना ज्यादा हुआ करता है हमेशा कि कुछ भी मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि आई हैव टोटली अचीव नथिंग। तो अब भी ऐसे ही है कि अगर आप पूछें तो मैं बहुत ज्यादा रेट नहीं करता कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया, लेकिन उनके लिए आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड एंड नाउ इट्स वेरी गुड, बिकॉज वही बात है कि मैं समझता हूँ कि लोग मॉरली सिर्फ तब बिहेव करते हैं जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। और मुजम्मिल, साथ ही जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी घर की, आपने खुद कहा कि लोअर मिडिल क्लास, शुरू में इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, उसके अपने जाहिर है मसाइल होंगे, और अब कैसी है? शुरू में देखें मेरी पैदाइश से पहले तो बहुत अच्छी थी रूरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि वहां पर ये था कि एक लिमिटेड सी एक किसी की कोई शॉप चल रही है या कोई एक कारोबार है, लेकिन मेरे वाले साहब के चार पांच थे और ही वॉज अ वेरी शार्प गाय, जिनको ये मालूम था कि फाइनेंसिस कैसे मतलब कैपिटल कैसे जनरेट करना है आउट ऑफ नो वेयर, और खुद से कभी मेहनत मजदूरी उन्होंने नहीं की, लेकिन उनका दिमाग में जो आइडियाज आया करते थे दे यूज टू वर्क। तो उसमें ये है कि मेरी पैदाइश से तकरीबन 3-4 साल पहले कुछ क्राइसिस ऐसा आया, कुछ मुकदमेबाजी शुरू हो गई, उस पर आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी बिक गई हमारी। तो फिर ये हुआ कि जब मैंने बड़ा हुआ तो दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट, क्योंकि उस टाइम के ऊपर यहाँ पर आ गए और लाहौर में तकरीबन 15 से 20 साल, मैंने तकरीबन 18 साल हो गए होंगे मुझे लाहौर में, और इन 18 में जो 16 साल हमारे पास अपना घर नहीं था बड़े शहर के अंदर, जाहिर ही बात है छोटा सा घर भी अफोर्ड नहीं हुआ, तो वो रेंट पे रह रहे हैं और एक जगह बैठे हुए हैं, 6 महीने बाद मालिक ने कहा सामान उठाओ दफा हो जाओ यहाँ से। तो वही मेमोरीज हैं कि आपने 6 महीने कहीं गुजारा किया, 6 महीने कहीं किया, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरा स्कूल कभी एक नहीं रहा, क्योंकि अगर घर मुझे बदलना पड़ रहा है और मैं इलाका चेंज कर रहा हूँ तो मुझे स्कूल भी बदलना पड़ रहा है। तो उसमें यह था कि फिर वो काफी बुरी सूरत हाल थी, और फिर मैं अपनी नानी के घर भी बहुत अरसा रहा हूँ, जहाँ पे ये कंडीशन थी कि वो 1982 की कंस्ट्रक्शन थी वो जो बिल्डिंग थी, और मुझे याद है जब जलजला आया था 2005, जी जी पता नहीं जी कब, 2005 में, तो उस टाइम जाहिर बात है सोशल मीडिया तो था नहीं,
और कोई चीज नहीं थी ऐसी कि आपको फौरन घर से रापता हो जाए। मैं स्कूल में बैठा हूँ, मेरे एग्जाम्स हो रहे थे अक्टूबर में, मुझे याद है। तो मैं पैदल घर आया करता था, और मैं जब स्कूल से निकला तो मैं सारे रास्ते कंफर्म्ड था अपने दिमाग में कि वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के वो शॉक वेव्स मैंने महसूस की स्कूल की इमारत में, जो नई थी उस टाइम, तो मैंने कहा कि वो 1982 का जो घर है, बल्कि उससे भी शायद पुराना है, मुझे नहीं याद, मुगलपुरा के इलाके में मशहूर भी था उस टाइम पे, उसका नाम बुखारी बिल्डिंग था। तो वो मेरे जहन में था कि मैं जब पहुंचूंगा तो मुझे सिर्फ मलबा मिलेगा, एंड आई वॉज सो स्केर्ड। और मुझे वो वॉक आज भी याद है कि वो 15-20 मिनट की वॉक थी, और मेरे जहन में यही था कि जब मैं पहुंचूंगा तो शायद मुझे कुछ वैसा ना मिले, बट हैरान हुआ कि वो खड़ा हुआ था। तो और दीवारें गिरती थी अक्सर वहां पे, और ये सबको पता है, ये सिर्फ कोई कहानी सुनाने वाली बात नहीं, अगर कोई भी उस इलाके में रहता है और मेरा दोस्त सुन रहा है तो वो कंफर्म भी कर सकता है इसको। तो वो छत अक्सर गिर जाया करती थी ऊपर वाले फ्लोर की, या साइड वाले जो है ना वो क्वार्टर से बनाए होते थे हमने। तो इस तरह की रिहाइश भी ऐसी रही, और हालात काफी जो है स्ट्रगलिंग थे। स्कूल के अंदर भी एक बेहतर स्कूल में एंट्री टेस्ट दिया था मैंने, वहां पास हो गया, लेकिन वहां पर नहीं गया मैं फीस की वजह से। तो तकरीबन बहुत मैंने अभी बताया था 150 से 200 रुपए फीस थी, तो मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया, तो मेरी वालदा ने कहा 200 नहीं थी, 400 थी, तुमने कम क्यों बताई। मैंने कहा ठीक है, आइंदा करेक्ट कर दूंगा इसको। तो ये हाल थे जी, और उसके बाद आगे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन अब इट्स वे बेटर, क्योंकि मेरी फैमिली ने भी अपवर्ड सोशल मोबिलिटी थोड़ी सी की है इन सालों के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही तरीका होता है थोड़े पैसे कमाने का, वो ये है कि आप प्लॉट बेचते जाएं। तो इसके अलावा तो कोई इंडस्ट्री का कोई बूम नहीं है, कोई तरीका कार नहीं हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ करने का। तो थोड़े बहुत वो जो इनहेरिट की मेरी वालिदा ने प्रॉपर्टी, उसके थ्रू थोड़ा बेहतर हुए, और मैंने तो जो कुछ किया वो खुद ही किया, किसी से कभी तकाजा नहीं किया कि यार मुझे ये दे दें, ये कर लें। सो नाउ इट्स वे बेटर, इट्स द बेस्ट दैट वी हैव एवर बीन इनटू, मुझे अपना, दैट्स व्हाट आई अगर कैन से। आप ट्रैक बैक करें तो ये, अगर मैं इसकी तज्जिया करूं कि क्या ये मुमकिन है कि जो इनिशियल मुश्किल हालात थे, उसमें फैमिली का ट्रबल हो, उसमें इकोनॉमिक इश्यूज हो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो बीज डाले कि अब आपको इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं वो अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल जी, वो सारे का सारा सीक्रेट ही वहां पर है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी मेरी जो नफ्सियात हैं उसमें, मेरा जो माहौल है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, या फिर जो सराउंडिंग्स है उनका हिस्सा नहीं डाला उन्होंने, तो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अगर मेरा शुरू से कोई तल्ख एक्सपीरियंस ना होता इस मुआशरे में रहने का, और मुझे इतनी मोहब्बत मिली होती बचपन से कि हर कोई जो मेरे आइडियाज हैं उसको वेलकम कर रहा है, और मुझे बहुत शेल्टर करके रख रहे हैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं करनी, तो मैं कभी भी किसी भी इंसाइटफुल चीज की तरफ वो पुरकशिश लगती ही ना मुझे। तो अपने मसाइल को हल करने के लिए हाथ पांव तब मारता है इंसान इंटेलेक्चुअली जब उसके मसाइल हों उसकी जिंदगी में गंभीर, उसके रास्ते में खड़े हों। अगर तो हों ही ना, तो फिर आपको इतने शेल्टर्ड एनवायरमेंट में जो बच्चे पैदा होके आगे बढ़ते हैं, वो बड़े सादी सी शख्सियत होती है, और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो कि आपको ये लगता हो कि यार ये कुछ मुख्तलिफ है। तो मैं समझता हूँ कि सफरिंग, ये सारी जो आपको कहानी सुनाई है, उसका मकसद ये नहीं है कि कोई सेल्फ पिटी को असर्ट करना, या लोग मुझे ये कहें कि आप कितना यार बुरा हुआ तुम्हारे पास, बिल्कुल नहीं। इसका पॉइंट ये है कि अगर आपको ये सब मिल रहा है, तो उसके बाद में ऑप्शन आपके पास है कि उससे बनाना क्या है आपने। क्या आपने ये बनाना है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये मुआशरा बहुत बुरा है, लोग किसी की परवाह नहीं करते, मैं दर्द दिल रखूंगा लोगों के लिए और मैं इनके लिए अच्छा भला करूंगा, या फिर आपने ये ओखस करना है कि ये जो मेरे तजुर्बात हैं सारे, ये जो तलखी मैंने देखी है सारी, अब इसके थ्रू मैंने इसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे करना है। तो वो सफरिंग को ग्रेटनेस में कन्वर्ट करने वाली जो जो फलसफा है, मुझे सबसे बेहतरीन लगा भी इसीलिए। इसीलिए मैं लोगों को कहता भी हूँ कि अपनी शख्सियत और अपनी नफ्सियात के मुताबिक अपनी जिंदगी के फलसफे का इंतखाब करो। अगर आपका तजुर्बा और है, और तो फिर आप शायद आपको नीचे ना पसंद आए, या कांट ना पसंद आए, या रूसो ना पसंद आए, या मार्क्स ना पसंद आए, तो अगर मेरा तजुर्बा ही वो नहीं है, तो फिर मुझे उसी किस्म का फलसफे का इंतखाब करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं बचपन से बहुत अमीर हूं, और मैंने हमेशा गरीब लोग, भिखारी लोग सिग्नल पर ही देखे हैं, या मैंने कभी मजदूर देखा ही नहीं, तो बहुत बड़ा चांस है कि मैं मार्क्सिस्ट बन जाऊं। क्योंकि मुझे वो सारा दर्द दिल महसूस ही तब होगा जब वो मुझसे इतने दूर हों कि मैं उनके दरमियान ना रहा हूं कभी, और ना मुझे समझ आई हो कि वो लोग हैं कौन। इसीलिए दूर से मुझे सब अच्छा लगने लगे, और मैं कहूँ कि नहीं, ये मेरे जैसे हो सकते हैं। सो आई एम समबडी हु यूज टू लिव अमंग देम। लिटरली मेरे स्कूल के अंदर मेरे साथ
वाली चेयर पे बैठने वाला बच्चा जो था वो, उसके वाले साहब एक मजदूर थे जो हमारे सामने गधे के ऊपर चीजें लाद के और वो इस तरह ईंटें और ट्रांसपोर्ट करते थे, ही यूज टू सिट बिसाइड्स मी। तो अगर ऐसे माहौल में आप पले बड़े हो तो आपने पाकिस्तान की जो अंडरग्राउंड जिंदगी होती है उसको एक्सपीरियंस किया होता है, और इसीलिए आप फिर फैन नहीं होते इन चीजों के, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिविलेज होना बुरी चीज है, बिल्कुल नहीं है, अगर मैं होता मैं खुल के बताता, मुझे कभी खौफ नहीं आया इससे। तो वो ये है कि जो प्रिविलेज्ड हैं उनका मसला ये है कि वो इस तरह के लोग जो कि इन जगहों पर रह रहे हैं, सफर कर रहे हैं दिन ब दिन, और जो पेरेफरीज में है, जो कोई पश्तून है, कोई बलोच है, कोई गिलगती है, कोई मुहाजिर है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, उनको नहीं पता कि उनके तजुर्बात किस तरह के हैं। तो मैं इसीलिए, मेरा दिल भी करता है कि मैं उन लोगों की बात करूं जो एक्सेप्शन है, यानी कि जो मेजोरिटी में नहीं है। और पसंद ही सिर्फ मुझे वो बात आती है, उसकी वजह ये है कि जब मैं उस सूरत हाल में था तो मुझे वो याद है कि उस टाइम कोई नहीं था आकर ये कह रहा कि नहीं यार ये जो बात कर रहा है ये बेहतर होगी। तो जब तक वो खुद साबित नहीं करते आप, इट हैज टू बी अ वॉर और आपने वो फाइट करनी होती है, तो उसमें कभी भी ब्लेम गेम नहीं है। और ना मैंने कभी कहा कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। तो वो कंप्लेन करने वाला मेरा एटीट्यूड कभी नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला था। मैं कोशिश करूंगा कि हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करें, ज़ाहिर है जो चीज़ें तलख थी वो रह गई। लेकिन इसमें एक आखिरी चीज़ मुझे ये बताइए कि जो बचपन के स्कार्स होते हैं, चाहे आप उन्हें स्कार की तरह ट्रीट ना भी करें, जो इस तरह की मुश्किल होती हैं, आपको लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी में खुद हल हो सकती हैं कभी, या फिर वो दे लेफ्ट अ मार्क और वो हमेशा रहेंगी कहीं ना कहीं? हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर तो एक रैशनल इंसान है जो कि चीज़ों से रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है, लेट्स से कि मेरी जिंदगी में चार पांच मसले हैं, अब उनका हल क्या है, या मैं वो सोचूं या फिर उनके नीचे इतना दब जाऊं कि मेरी नफ्सियात जवाब दे जाएं, मेरे आसाब जवाब दे जाएं, और मैं लड़ना ही छोड़ दूं और मैं कहूं कि यार बस मुझे ना आंखें बंद हो जाएं मेरी। मैंने देखा है कि 90% मेरे दोस्त भी और लोग भी, उनको एस्केपिज्म का बहुत बड़ा मसला है, यानी कि जहां मसला हो वहां से भाग जाओ, फेस ना करो अपने फियर को कभी भी। इसको साइकोलॉजी की जुबान में एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, कि जो तुम्हारा फियर है उसके सामने जाके खड़े हो जाओ और पंगा ले लो उससे। तो उससे ये होता है कि आप आंखें बंद कर लेते हैं लेकिन वो इट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड यू, वो कभी जान नहीं छोड़ता आपकी। अब उसके लिए मैंने देखा लोग हजार रास्ते इख्तियार करते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि वो शराब नोशी भी करेंगे, या वो किसी ऐसी चीज की तरफ जाएंगे जो उनको इंटॉक्सिकेट कर दे, उनकी रियलिटी को हेजी बना दे, ताकि उस तरह से वो तकलीफ उन तक पहुंचेगी ना, हालांकि उससे फायदा नहीं होता, ये भी मिथ ही है। दूसरा रास्ता ये है कि वो इतने डॉगमेटिक हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी ये सारी सफरिंग डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से है, क्योंकि हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसी शामत है अमाल की। तो वो इतना खौफजदा हो जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जिंदगी एक इंतजार होता है मौत का, और वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं पड़ा हुआ, वो बिल्कुल लाइफलेस हो जाते हैं, जो पाकिस्तान की अक्सरियत है, क्योंकि सफरिंग को वो यही समझती है कि इसमें हमारा कोई कंडक्ट नहीं है, ये किसी और की वजह से हो रही है, या अगर अमाल बुरे हैं तो हम उनको बेहतर करेंगे, रोलेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो ये दो तीन किस्म की नफसियात होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस आपने कर ली है तो उसमें बहुत ही कम चांस है कि आप उससे कंप्लीटली रिकवर कर जाएं मेंटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसकी वजह से कोई बड़े इंसान नहीं बन सकते। मैं तो समझता हूँ बड़ा इंसान बनता ही वो है जिसने सफरिंग देखी होती है, क्योंकि एक काउंटर नैरेटिव जिंदगी का वो उसकी ऐनक लगाकर सोचता है, उसने वो देखा होता है रॉक बॉटम सबसे नीचे बैठकर कि वहां जिंदगी कैसी है। तो मैं तो जितने अजीम लोगों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ सबने इतनी मार खाई होती है कि हैरान होता हूँ कि यार ये क्या सीन है, मतलब इतनी इतनी सफरिंग जरूरी है क्या कुछ ग्रेटनेस के लिए? तो हमारी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, जिस तरह की और लोग मैं देखता हूँ कि वो हो गए हैं। लेकिन यही है कि इस तरह के मसाइल आप किस हद तक हल कर सकते हैं वो मैटर करता है। तो मैं समझता था कि ताकत से ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, अगर मैं पावर अक्वायर कर लूं इस मुआशरे के अंदर तो मैं उन्हीं शार्क्स में से एक बन जाऊंगा जो कि मुझे खा सकते हैं बड़े होकर। क्योंकि अगर मैं किसी अस्पताल में गया हूँ, लेट्स से मैंने देखे हुए इस तरह के सीन्स के, एक मरतबा बहुत कंडीशन खराब थी कुछ सालों मेरी, तो हेल्थ इश्यूज भी काफी रहे थे, तो मैं जना अस्पताल में चला गया लाहौर के, और वहां जहां मुझे लिटाया गया बिस्तर पे, मेरे बिस्तर के साथ एक खातून लेटी हुई थी क्योंकि बेड नहीं था, और जैसे मैं चढ़ा हूँ उस बेड के ऊपर तो मैंने नीचे देखा है और नीचे खून, इतना ज्यादा खून गिरा हुआ था मेरी आंखों के सामने, क्योंकि वहां पर कोई मैकेनिज्म नहीं होता सरकारी अस्पतालों में, और मेरा तकरीबन पाँव आने लगा था उसके ऊपर। मुझे आज भी वो याद है कि मुझे भूल गया कि मुझे क्या हुआ, और मेरे साथ एक और खातून लेटी हुई है, उसको ड्रिप लगी हुई है, जमीन पे खून पड़ा हुआ है, गंदी चादरें हैं, उसके ऊपर लेट के मैंने ये सोचा कि अगर मैं सारी जिंदगी आम इंसान रहा ना तो ये रियासत मुझे खा जाएगी।
उसकी वजह यह है कि यहाँ पर रियासत से कोई बात मनमानी है ना, तो या तो आपके पास ताकत होनी चाहिए या मोनोपोली एंड वायलेंस होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुचल दिया जाएगा। अक्सर जगहों पर जाना तो पुलिस वालों ने रोक लेना, ह्यूमिलिएट करना कि बाइक पर 3 लोग बैठे हुए गली से निकलने के लिए और वो पैसे मांगते थे। एक दफा रमजान में हमें अफतारी मांगने के लिए पुलिस वालों ने रोक लिया और उन्होंने कहा हमने अफतारी करनी है, पैसे दें। हमारी जेब से 20-20 रुपए भी निकलवा लिए। कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में थे तो वहां पर जमीयत वाले आ जाया करते थे। अब पता नहीं, ये आपकी मर्जी है, आप इसको जाने दें या एडिट कर दें। मैं कुछ नहीं तो वो एडिट आकर करूंगा, आप जो कह रहे हैं वो सब जा रहा है। वो आकर कह रहे हैं कि जी अफतारी करवानी है, जो जेब में है निकाल दो उसको। तो हर जगह पर एक बदमाश कल्चर देखा, जहां पर कोई आवाज नहीं है, जहां पर अगर आप एक आम इंसान है तो आपकी कोई औकात नहीं है। आपको पुलिस वाला थप्पड़ मार दे, कोई ब्यूरोक्रेट गाड़ी के नीचे दे के चला जाए, यू विल बी अननोन, यू विल बी फॉरगॉटन। तो सबक ये सीखा कि ताकत के असूल के बगैर यहाँ पर ये मुआशरा नहीं चलेगा। पहले वो हाथ में ले आ, उसके बाद इंसानियत की बातें करना, उसके बाद लेक्चर झाड़ना कि मैंने बाकियों के हालात ठीक करने हैं या मैं बेलौज खिदमत करने आ रहा हूँ। मैं बेलौज खिदमत करने इसलिए नहीं आया कि पहले मैंने खुद सर्वाइव करना था। तो वो जो ताकत का असूल था, जो विल टू पावर की फिलॉसफी थी, जो मुझे नीचे की फलसफे ने दी और मुझे वहां से नजर भी आई कि ये तरीका है कार, तो उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन रहा कि जितने स्कार्स थे उससे ऑपोजिट पावर मैंने इतनी क्रिएट की कि जिनको स्कार्स नहीं भी थे वो भी रश करना शुरू होंगे, शायद ये सोचा। तो यही है कि वो, इसीलिए मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि अगर आपने इस जैसे मुआशरे में, जो स्टेट ऑफ नेचर है, अगर तो आप मगरबी मुआशरे में रहते हैं तो आपका आईडी कार्ड ही आपके हकूक का जो है ना वो एक सर्टिफिकेट है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप कनेडियन सिटीजन है, ब्रिटिश सिटीजन है, तो वो आपको मिस ट्रीट कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ख्याल रखना, यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लोगों को भी ये कहता हूँ मैं कि सबसे बुनियादी चीज जो है वो ताकत का असूल है, और उसके पीछे जाइए, उसके बाद कुछ सोचिए। इस पे अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो चलता ही रहेगा। मुझे बस आखिरी चीज़ बताइए बहुत मुख्तसरन, ताकि हम आगे बढ़ें, कि बचपन में आपने कहा कि कोई भी आपको समझ नहीं पाता था, कोई भी एक शख्स, कोई एक धुंधली सी तस्वीर नज़र आती है कि यार वो फला मोहल्ले में एक चचा थे वो समझते थे मुझे, कोई कोई ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसा शख्स था बचपन में? मुश्किल था, कोई खास तो नहीं जहन। अब हो सकता है कि इससे लोग ये अखज करें कि यार ये तो नार्सिसिस्ट है, ये अपने अलावा किसी की तारीफ ही नहीं करता। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, एक समझने की चीज तो और होती है। तो वो कुछ दोस्त थे अच्छे, जो उस वक्त लगते थे कि यार ये बेहतरीन है और ये, इनके साथ जो जिंदगी गुजरेगी वो सबसे अच्छी, क्योंकि इनको समझ भी आती है और इनकी कंपनी भी अच्छी है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अकायद में तब्दीली आई तो उन्होंने कहा कि ये तो गुमराह हो गया, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती। तो फिर समझ आई कि नहीं यार, वो भी इसीलिए थे बिकॉज दे सी मी एज समबडी हु इज लाइक देम, कि अगर जरा सा, क्योंकि मैं उनके साथ को एग्जिस्ट करने के लिए तैयार हो गया जब मैं बदल गया, लेकिन वो नहीं थे। तो वो बाद में अंदाजा हुआ कि वो भी नहीं थे, लेकिन कह सकते हैं कि एक दो दोस्त थे शायद इस तरह के जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा। बट समझ में आना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और वो अब भी शायद बहुत कम लोग हों जिनको आता हूँ। तो यही है कि उसमें कोई खास ऐसी हेल्प तो बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसा कन्फ्रंटेशनल एनवायरनमेंट था कि चारों तरफ से अपने आप को डिफेंड करना था, और एक अटैक था जो अब भी नजर आता है मेरी पर्सनैलिटी में, मेरी वीडियोस में भी, कि अगर डिफेंस करना हो किसी चीज का या कन्फ्रंट करना हो तो उसमें जो है वो थोड़ा आसानी से मैं कर लेता हूँ, क्योंकि वो बचपन से करता आ रहा हूँ, ये कोई नई चीज नहीं। मुजम्मिल, जब आप बहुत बहुत छोटे थे, लाइक फिफ्थ ग्रेड तक, उससे पहले, उस वक्त का मुजम्मिल ज़ाहिर है तमाम सिचुएशंस के साथ बनना क्या चाहता था? क्या एम था कि यार मुजम्मिल ने ये बनना है बड़े होकर? कुछ खास जहन में नहीं था, क्योंकि वो सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए, अपने पर्सनालिटी को जो है ना वो डिस्कवर करने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप इतने मसाइल में घिरे हों तो उसमें सबसे पहला गोल होता है सर्वाइव, कैसे करना है। तो उस वक्त का मुजम्मिल यही सोच रहा था कि सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एक दो चीजें जहन में थी बस। और वो काफी आगे तक रही है, मतलब mid-20s तक भी वही रही है कि किसी तरह अगले साल तक पहुंच जाए, बस ये सीन था। तो उसमें ये है कि अगर आपकी इतनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो जिंदगी की तो आप वो विजन नहीं क्रिएट करते कि मैंने एक दिन जाके जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन जाना है, ये कर देना है। तो मेरा तो यही था कि आई ऑलवेज यूज टू बी इन डाउट कि यार ये पता नहीं कितनी देर तक चलता है इस तरह से। सो द अनसर्टनिटी वॉज टू मच टू प्लान एनीथिंग इन द लॉन्गर रन। लेकिन ये था कि जो एम्बिशन था वो बिल्कुल ही इरेशनल सा था, क्योंकि ऐसे माहौल में रह के एम्बिशन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे माहौल में रहने के बावजूद भी आई वॉज सो हार्ड ऑन माई सेल्फ कि हमेशा यही सोचा कि यार
वो हरकत करनी है जो किसी ने नहीं की हुई। तो वही बात है ना कि इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा थी। अगर कहीं भी गए हैं किसी सेमिनार में, किसी टॉक में, या आप कह लें कि लेक्चर हो रहा है क्लास में, तो हर जगह पे अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश करनी है किसी भी तरीके से। और ज्यादा तरीका यही था कि स्कॉलरली एम्बिशन थे इस तरह के, तो यही था कि कोई ऐसा काम कर दें जो कि कम हुआ है जिंदगी में। तो इनफरादियत का बहुत शौक था और वो इनहेरिटेड था, मेरे वालिद साहब को भी है, और वो शायर भी हैं, वो स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हैं, वो ट्रैवलर भी रह चुके हैं, यूज टू हंट एज वेल। तो बड़ी एडवेंचरस जिंदगी गुजारी उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि शायद वही सोर्स है इसका। तो यही था कि एक इनफरादी शख्सियत थी, कभी लोगों से अग्री करने का शौक नहीं था, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि हालात जो थे वो काफी प्रेशराइजिंग थे इसलिए। मैं चाहता हूँ मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा इस बारे में, बस मुझे एक आखिरी सवाल मैं चाहता हूँ कि कर लिया जाएगा कि रिकॉर्ड पे आ जाएगा। जो हालात आपके साथ रहे वही जाहिर है आपके भाई बहनों के साथ भी रहे, माफ़ कीजिएगा, तो आप ट्रैक बैक कर पाते हैं कि वाई यू चोज अ डिफरेंट पाथ, या हाउ डिड इट हैपन, उन्होंने इस तरह क्यों नहीं सोचा, या क्या उन्होंने भी इसी तरह सोचा जिस तरह आपने चीज़ों को देखा? अब मैं जो कहना चाहिए ना कि एक बायोलॉजिकल प्री डेस्टिनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो मजहबी प्री डेस्टिनेशन है जिसमें आप कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी का तयन जो है वो पहले से हो चुका है, उस पर एक डिबेट चलती है। क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट था बेसिकली ये। लेकिन अब एक ये है कि अगर आपके जीन्स में या आपकी जिबिलत में, आपकी इंस्टिंक्ट्स में ही कुछ चीजें हैं, तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। और मेरा सबसे ज्यादा जो कंसिस्टेंट चीज जो मैंने की है वो ऑब्जर्व की है, और ऑब्जर्वेशन में यही रहा है कि एक कमरे में बैठे हुए 10 लोग जिन्होंने एक ही लेक्चर लिया, उसमें से एक ने कोई ऐसी बात अखज कर ली जो बाकी 9 ने नहीं की। और बहुत मरतबा ऐसे हुआ है कि उन लोग वो लोग जिन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा वो फलसफा पढ़ा है जिसको मैंने शायद हाथ भी ना लगाया हो, वो बिल्कुल उसको समझते भी नहीं है या पसंद भी नहीं करते, या वो उससे ऑपोजिट बात करते हैं जो मैं सोचता हूँ। तो उससे आइडिया ये होता है कि अगर हार्ड डिस्क जितनी भी बड़ी है, वो जो जिस हार्ड डिस्क जिस कंप्यूटर में डाल रहे हो ना, वो अगर वो मुख्तलिफ है तो प्रोसेस उस तरह से नहीं करेगा। तो ये चीज़ है कि घर के अंदर भी जो मैंने माहौल देखा या जो मेरी बहनें थी उनका अगर बर्ताव मुख्तलिफ है मुझसे, तो मुझे मुझे इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती सिवाय इसके कि दे हैड अ डिफरेंट साइकोलॉजी एंड आई हैड अ डिफरेंट वन। उसकी वजह ये है कि डिफरेंट कंडीशन को डिफरेंट लोग मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यही है कि उनका अपना रास्ता था और उनको शायद मेजरली वो बातें समझ नहीं आती जो मैं आज भी करता हूँ, बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट ऑल ऑफ देम, इवन पेरेंट्स भी और वो सब भी। उसमें यह है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई कुदरती एक्सप्लेनेशन के अलावा कोई है कि अब एक ही कंडीशन से कुछ और डिड्यूस करने की जो फैकल्टी थी वो शायद उनका और रिजल्ट निकल रहा था, मेरा और निकल रहा था, तो ये चीज थी। बस इसके अलावा कोई खास, देर इज नो मेथड टू द मैडनेस कहते हैं ना, वो चीज़ मुजम्मिल, आपकी फॉर्मल एजुकेशन किस में है, बैचलर्स आपका किस चीज़ में था? है। मैथ्स कॉम में किया था मीडिया स्टडीज में, और उसके बाद में एमफिल किया पॉलिटिकल साइंसेस में। और वो भी इसीलिए कि मुझे अंदाजा हो गया पहले सेमेस्टर के बाद भी कि इसमें सब्जेक्ट मैटर बहुत कम है मैथ्स कॉम में, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग स्टैंडर्ड्स बहुत बकवास थे। इसके अलावा ये था कि मतलब मेरे सामने जो टीचर खड़ी हुई है वो पहले सेमेस्टर में भी वही कह रही थी जो वो 5वें में कह रही थी, और दे आर नथिंग न्यू टू शेयर। और वो यही था कि मैं बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होता था क्लास में जाने के लिए कि वहां जाकर आज कुछ डिबेट हो जाएगी या कुछ नया सीख लेंगे। तो मैंने फिर एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स भी लेना शुरू कर दिए, मैंने लॉ के 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, और मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में भटक रहा होता था कि यहीं से कुछ मिल जाए, ये तो पढ़ा कुछ नहीं रहे, तो 3 उसके लिए। और इसके अलावा एक दफा तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी ले लिया एक आधा, वो ये वो तजुर्बे किए सारे कि कहीं से कोई नई चीज तो सीखने को मिले, ये तो वही चीज रिपीट करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं। लेकिन एक दो उस्ताद थे जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग भी खोला मेरा और थोड़ा सा डिबेट करने की कोशिश की। जब हम भी क्लास में ये बोलते थे कि हर सब चीजें दुनिया में यहूदी चला रहे हैं, फ्री मेसनरी जो है ना ये असल रियलिटी है, ये कंट्रोल करते हैं दुनिया को, एलुमिनाटी जो है ये कर्ज कर दिया इसने इस मुआशरे को, और ये असल में फैसला साज है दुनिया के, आपको पता नहीं है। तो उस दौर में जो कुछ चपेड़े पड़ी ना आगे से कि कोई शर्म करो, इसका सबूत पेश करो अगर है, तो जब वो नहीं पेश कर सके तो फिर शर्म आई। क्योंकि बात यही है कि रैशनल ब्रेन जो होता है अगर वो राइट विंग पर भी हो तो वो कोशिश करता है कि उसके लिए भी सबूत लेकर आए, वो सिर्फ मुकदमा सादर नहीं फरमाता कि यार बस मैंने कह दिया तो मान लो। तो उसमें भी बड़ा तैयारी करके जाया करते थे जब दिमाग उस तरह का था, और काफी रेडिकल राइट विंगर था मैं, तो इसीलिए एक बड़ा पैशन भी था जान देने के लिए वतन के लिए, और कम अज कम बॉर्डर पे जाके एक आधी लड़ाई तो लड़नी है, तो ये चीजें जहन में थी उस टाइम पे। तो यही था कि वो आहिस्ता आहिस्ता
थोड़ा सा दिमाग खुला जो डिस्कोर्स मिला कहीं जाकर, लेकिन वो भी डिस्कोर्स इसीलिए मिला कि माइंड थोड़ा सा तैयार था एविडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपका दिमाग एविडेंस की नफी करना शुरू कर दे तो आप शायद 10 PhDs कर लें, आप कुछ नहीं सीख सकते। और अगर ये आपको थप्पड़ ना पड़ते जो आपने कहा हकीकत के, तो ये मुमकिन था कि आपका भी कोई हकीकत टीवी चैनल होता है, या शायद आप ही उसकी बुनियाद रखते हैं। नहीं नहीं फिर मैं, मेरे कोई 3-4 मिलियन फॉलोअर्स होते अभी, और मेरे पास जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। उसकी वजह ये है कि फिर बड़ी मैस तो वो है, तो असल तो रकम वहां पड़ी हुई है ना, मैं और आप तो फजूल में टाइम जाया कर रहे हैं अपना कोई हजारों फॉलोअर्स लेके बस, तो शायद इससे बेहतर होते उस टाइम। लेकिन अब कहा कि नहीं जी, हमने नजरियाती जंग लड़नी है। मुजम्मिल, हमने क्योंकि आपकी एजुकेशन की बात की, तो ये जो मास कॉम था और उसके बाद एम फिल इन फिलोसफी, ऑब्वियसली ये इन्फॉर्म डिसीजंस थे, यही करना था, या बस क्योंकि ऑप्शंस ही ये थे तो बस ये कर लिया? जी, पॉलिटिकल साइंस में वो किया था एम्पल। नहीं, उसमें ये है कि पहले तो, उससे पहले तो FSC की, और वो घर वालों ने करवाई जबरदस्ती, क्योंकि मेरी बहन डॉक्टर थी, तो उन्होंने कहा कि यार चलो बेटा तो इंजीनियर बने कम से कम, तो वो कोशिश की कि FSC करवा ले मुझे। तो मुझे मैट्रिक में ही अंदाजा हो गया था कि साइंसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिमाग चलता नहीं था उस तरफ, बायोलॉजी पढ़ने का दिल नहीं चाहता था। तो उसमें यही था कि यार मतलब अनइंटरेस्टेड था साइंस को लेकर, ये आइडिया हो चुका था, फिर भी FSC में उन्होंने फोर्स किया तो मैंने कर ली, और उसमें भी मैंने स्ट्रगल किया। जाहिर ही बात है कि अगर आपका पैशन नहीं है उसको लेकर, और इतना टाइम देने के आप शौकीन नहीं है डिग्री को अपनी, तो मैं इतना खास पढ़ता भी नहीं था, एवरेज स्टूडेंट बन गया बाद में कॉलेज में जाके, पहले तो अच्छा था। तो बस यही है कि आइडिया हो गया कि सोशल साइंसेज इज बेसिकली माई पैशन, और उसमें यही है कि कोई हिस्टोरिकल सब्जेक्ट होता था तो बड़ा इंटरेस्ट लिया करता था मैं। मतलब उस टाइम मुझे याद है कि हमारे घर में वो PC था, नया नया आया था जब हम कॉलेज में था, मैं 9th में, बल्कि 10th में आया था। तो मैट्रिक के टाइम पे वो जब कंप्यूटर आया घर में, तो उसमें गेम्स वगैरह खेलने का कोई खास शौक नहीं था मुझे, ना कभी खेली है वीडियो गेम्स इतनी, बहुत ही कम खेली होंगी। तो विकीपीडिया का बहुत शौक था कि वो बैठ के कोई आर्टिकल खोल लेना और उसको पढ़ना है पूरा पूरा बैठ के ना। तो वो बड़ी फैसिनेटिंग चीज थी कि दुनिया में आपने कोई भी चीज अगर तलाश करनी है किसी पे, इतने इतने एक्सटेंसिव आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि उसमें पीछे रेफरेंसिंग भी है और राइटर्स के नाम भी हैं, और नीचे वो बिब्लियोग्राफी आ रही होती थी, तो इट यूज टू बी वेरी फैसिनेटिंग। तो वो कोर्स मैटर छोड़ के मैं वो पढ़ रहा होता था ज्यादा, और मैंने इस तरह की हरकतें करनी कि एग्जाम्स के अंदर मैं विकीपीडिया खोल के बिल्कुल इरेलीवेंट चीजें पढ़ रहा हूँ, और FSC के पेपर हो रहे हैं साथ, तो उसमें बैठ के मैं ये पढ़ रहा हूँ कि जी वो फ्री मेसन्स कौन होते हैं। और 1.5-2 साल तो मैंने उस पर दिमाग खपाया अपना कि यार मैंने पता लगा के रहना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो उसके बाद में मैंने वो उस पर इतना एक्सटेंसिव रिसर्च की कि मैं डिलूजन में चला गया, और वो जो ओलंपिक्स हो रही थी उस टाइम पे लंदन में, मुझे याद है, तो उससे पहले मैं, मेरे फेसबुक के जो अर्लीस्ट स्टेटसेस हैं, जो मैं स्टेटस दिया करता था, उसमें मुझे कुछ मिले भी हैं जिसमें मैं लोगों को कह रहा हूँ कि लंदन ओलंपिक्स में बॉम्बिंग हो जाएगी, वहां नहीं जाना, क्योंकि ज्यूज ने ये प्लान बना लिया कि उनको बॉम्ब करना है। तो ये हिसाब लगाएं कि जो एंटी सेमिटिज्म था ये इतना डीपली रूटेड है हमारे माशरे में, कि मेरे जैसा एक बच्चा उस टाइम पे स्कूल का, उसे कोई आइडिया नहीं कि ये एंटी सेमिटिज्म कोई चीज होती है, ये कैसे फैलाई जाती है। वो बस बाय कर रहा है इसको कि ये कंस्पिरेटोरियल है और इन्होंने तो हमें छोड़ना नहीं, ये मार के रहेंगे। तो मैं उस तरफ निकला हूँ, और इसके अलावा आर्टिकल्स भी इसी तरह के पढ़ रहे हैं, और जिस तरह मैंने बहुत दफा बताया भी कि वो ज़ायद हामिद साहब से मैं बड़ा इंप्रेस हो गया, उनकी स्पीचेस सुन के मैं, मेरा जो है ना जज्बा हुब्बुल वतनी वो आसमान तक पहुंच गया, और किताब भी खरीद लाया उनकी। तो उस टाइम पे ये हरकतें करने से आइडिया हो चुका था कि चलो चाहे मैं ये सब ही कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट साइंसेज में या कोर्स मैटर जो मेरा आजकल है इसमें तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत कन्विंस करने की शायद कोशिश की, और थोड़ा बहुत मेरे फादर ने भी उसको अप्रूव कर लिया, क्योंकि वो भी जर्नलिज्म में काम कर चुके थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कर लो। और उस टाइम पे बूम भी था, क्योंकि 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, 10 की शायद, बल्कि 2012 की, तो उसमें मैंने ग्रेजुएशन करनी थी, तो उस टाइम पे मीडिया अपनी पीक के ऊपर था पाकिस्तान में, जिसमें ऐसे सैलरी इतनी ज्यादा है, हर साल नए चैनल खुल रहे हैं, टैलेंट हंट्स प्रोग्राम हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज जब आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कैंप लगाया, वहां से इतने लोगों को उठा के एंकर बना दिया, तो हम हैरान हो गए कि यार देखो कितने बड़ा जंप्स है यार ये, कि आपने बगैर कोई जो है इतनी स्ट्रगल किए एकदम से आप सेलेक्ट होते हैं, जैसे कोई एक्टिंग के ऑडिशन नहीं होते कि कोई शाहरुख खान आया हुआ है और वो आके देख रहा है। तो इस तरह फैसिनेशन थी कि यार इतने बड़े बड़े एंकर्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, तो हमने देखा कि यार ये टाइम है कि क्लिक करेंगे इसमें। तो वो और बात है कि जब ग्रेजुएट हुए तब तक हालात खराब होना शुरू हो चुके थे, लेकिन
वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं इन्फॉर्म डिसीजन उसको, लेकिन कोई पता नहीं था खास के अच्छे इदारे कौन से हैं, कहाँ जाना है, कौन सी डिग्री अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो उस सिलसिले में काफी वक्त भी थोड़ा बहुत जाया हुआ होगा, और लेकिन मैथ्स कॉम में समझ आ गई कि दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर मी। तो तब आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व होता गया अपना आप, और फिर समझ आई कि नहीं पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद फिलोसफी इज द एक्चुअल पाथ जहाँ जाना चाहिए मुझे। मुजम्मिल, जब आप ग्रेजुएट कर गए तो फिर रोजगार का सिलसिला क्या रहा? कहाँ पहले जॉब की, किस तरह मिली? हाँ जी, उससे पहले तो यही था कि उससे जाहिर बात है फीस तो मैं अपनी खुद नहीं दे सका, और उसके लिए काफी मुझे डिस्काउंट भी मिल गया। एमफिल तो मैंने मुफ्त किया, बल्कि वो करने के पैसे मिले हैं मुझे एमफिल के। तो बीएस में ये था कि वो पंजाब गवर्नमेंट की मेहरबानी पड़ी उस टाइम की, जो ना स्कॉलरशिप दे दी। और बीएस में क्योंकि जो एफसी कॉलेज में जो मेरिट लिस्ट लगी थी उस पर टॉप पे था मैं, और उनके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं भी थी उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑफर कर दी। पहले उन्होंने कहा नहीं है, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं आता फिर, क्योंकि उस टाइम कोई 6-7 लाख फीस थी उस टाइम, तो मेरे पास नहीं थे वो। तो मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, लेकिन बीएस में ऐसी जगह गए जहाँ फीस काफी कम थी। तो खैर वो इसीलिए फिर घर वालों ने उसको अफोर्ड किया, उससे पहले तो नहीं किया। कॉलेज में मैंने बड़ी शिकायत की कि आपने मेरी एक दो बहनों को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, मैं लड़का हूँ फिर भी मुझे नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं जाहिर बात है उस टाइम जहनीत ऐसी थी कि लड़के की एजुकेशन बेहतर होनी चाहिए, जाहिल थे इसलिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप पढ़े हैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको एकेडमी रखवा देंगे ये वो। तो वो एक ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए जहाँ पे बैग जमीन पे फेंका और क्रिकेट खेल रहे हैं जाके, कोई होश नहीं है। तो वो वाले हालात थे। तो खैर वो उसमें भी कोई अच्छी तालीम नहीं थी कोई खास, और पैसों का तो मसला ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में 1500 रुपये फीस थी तकरीबन, उस पर क्या जाना है किसी का। तो जब ग्रेजुएशन कर ली तो मतलब लास्ट सेमेस्टर में मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी थी, और वो एक मैगजीन था इधर लाहौर में ही, थोड़े बहुत पैसे देते थे मुझे वो। बड़ा फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था, सीख रहा था, बाहर जाया करता था कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, कोई कवर करने के लिए किसी इवेंट को, रिपोर्ट्स लिख रहा हूँ, सब एडिटर था मैं, थोड़ा बहुत वहां से हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूज एंकरिंग में जब आए तो उसमें भी शुरू में स्ट्रगल ही किया, पैसे नहीं थे क्योंकि 3-4 माह तो तनख्वाह मिली ही नहीं जब आगाज किया उसका। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता गया वो, लेकिन उस लिहाज से कोई बहुत ज्यादा मैं अगर कहूँ कि यार मेरे बहुत लंबी एक स्ट्रगल रही है बगैर पैसों के, तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ग्रेजुएशन के 2 साल भी नहीं हुए थे जब मेरी सैलरी इतनी हो गई थी कि मैं अपना गुजारा आराम से कर लूँ। तो यही है कि एक आध साल वो मुश्किलात रही होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा जो हमेशा से अच्छी चीज रही है वो ये थी कि मुझे किसी भी चीज का शौक नहीं था पैसे स्पेंड करने का, ना इकट्ठे करने का। तो उसमें ये नहीं था कि मैंने कोई ब्रांडेड चीज पहननी है, या बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या फिर मैंने ट्रैवलिंग पे जाना है, या मैंने ट्रिप्स पे जाना है, वो चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए कम पैसों में भी आसान था, मुझे लगता नहीं था कभी कि बहुत मुश्किल है गुजारा करना। और ये वो उसकी वजह ये है कि वो एम्बिशंस नहीं थे कि जिस तरह से होते हैं बच्चों के यहाँ पे और चीज़ें होती हैं, मेरा उस तरफ रुझान बिल्कुल नहीं था, इसीलिए शायद इतनी ग्रेजुएशन के बाद मसाइल नहीं रहे। और मुजम्मिल, ये जो आपका जर्नी है, जो कम से कम मैंने पब्लिकली देखा कि पहले आप न्यूज़ पढ़ते थे, उसके बाद अब आप अपना प्रोग्राम करते हैं, ये जर्नी किस तरह रही? ऑडिशंस थे या अप्लाई किया था, कैसे हुआ था? नहीं मैं तो करना चाहता ही नहीं था, ये पहली बात ये है। उसकी वजह ये है कि मैं मुझे लिखने का शौक था, और मुझे ये अजीब अटेंशन तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थी, क्योंकि बड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत शैटर्ड था मेरा, अंडर कॉन्फिडेंट इंसान था बहुत ज्यादा मैं, और मुझे लगता था कि मेरी अपेयरेंस जो है वो शायद उससे अजीब चीज कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। उसकी वजह ये है कि अगर हर किसी ने आपको बचपन से बुली किया हो तो आप यही समझते हैं कि यार सबसे बुरी शक्ल मेरी ही है, आपको तो आइडिया ही नहीं होता कि यार आप एक आम इंसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं एक अपने उस्ताद थे उनके पास गया, और मैं बड़ा परेशान था उस टाइम पे कि यार कोई काम नहीं है और डिग्री मिलने वाली है। तो उनको मैंने कहा कि सर मुझे कहीं पढ़ाने की आप अपॉर्चुनिटी दे दें, मैं TA बन जाता हूँ या मैं असिस्टेंट बन जाता हूँ। तो उन्होंने कहा उसको छोड़ो यार, तुम लंबे ऊंचे हो, तुम जाके एंकर बनो। तो मैंने कहा है एंकर बन के क्या करें, मैंने कहा वो खबरें वगैरह तो नहीं पढ़ी जाएंगी मेरे से, मैं तो कैमरा वगैरह को नहीं फेस करता ऐसे। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, तुम पहले जाके ट्रेनिंग करोगे, पहले दिन ही बैठोगे। तो उन्होंने कहा कि ये चैनल 5 में ऑडिशन हो रहे हैं और वहां पर कुछ एंकर चाहिए उनको। तो बहुत लो ग्रेड चैनल था उस टाइम पे, जो पे भी नहीं करता इतना अच्छा, और काफी मसाइल भी और हैं वहां पे। उन्होंने कहा वहां चले जाओ, मैं चला गया आउट ऑफ नोवेयर, बिल्कुल दिमाग खाली था, और जाके बैठा तो उन्होंने सिर्फ एक आध दो दो लाइंस बुलवाई उन्होंने, और मैंने वो कागज उठाया हेडलाइंस का, और मैंने 2 लाइनें पढ़ दी पहली वाली। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है इसकी आवाज भारी है, इसको बुला लो। मैंने कहा यार ये क्या पैमाना है कि आपने ना मेरे से कोई इंटरव्यू किया, ना ये पूछा मेरे दिमाग में कोई चीज है या नहीं है।
मतलब मैं अगर मेरा व्यूज ही इतने अजीब हों कि आपके अदारे का मैं हाल खराब कर दूं स्क्रीन पे बैठ के, फिर क्या करेंगे आप। मैं हैरान हुआ कि यार बगैर स्क्रूटनी के इन्होंने कहा कि आप जी आ जाएं। खैर वो इंटर्न ही रखना था इसलिए शायद इतना सोचा नहीं उन्होंने। तो मैं फिर 3 4 महीने इंटर्नशिप करता रहा वहां पे, और पहले हफ्ते ही मैं समझ गया था कि ये तो ऐसी गलत जगह आया हूँ कि इधर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उधर बैठ के जो माहौल था, एक इदारे की बात नहीं करना चाह रहा, हर जगह ही ऐसे है, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो मिसफिट था। और वहां पर कोई भी पढ़ने लिखने की सोचने समझने की बात में इंटरेस्टेड नहीं था, और वहां बस ये था कि मेरा मेकअप अच्छा हुआ है या नहीं है, मेरे बाल तो नहीं, ये एक आधा बाल बाहर आ रहा, इसको सेट कर दें या ड्रायर मार दें, या मेरा कोट सही लग रहा है, टाई देख लें मेरी। मैं तो वो करने गया ही नहीं था यहाँ पे, तो मेरा तो रुझान ही कुछ और था। लेकिन खैर वो 3 4 महीने वहां पे गुजारे, और मैं कंप्लेन भी करता रहा, मैंने वाले साहब को फोन किया, मैंने कहा यार यहाँ तो वो नहीं चल रहा, उन्होंने कहा बैठा रहा, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, तो खैर वो और कोई चीज नजर नहीं आई, और उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गए फिर, और वहां से फिर 5 6 महीने वहां पर काम किया। अब वहां डिजास्ट्रस इतना था कि अगर कोई रिसोर्सेज है ही नहीं, मतलब जाहिर बात है कि आप स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, एक सिचुएशन आपको दे दी गई है और आपने बस बोलते ही जाना है, आपके पास कोई चीज नहीं है। अब उन दिनों इमरान खान साहब अपनी हरकत के उरूज पे थे कि मैंने पूरे मुल्क को आग लगा देनी, वो जो इस्लामाबाद लॉकडाउन का सीन चल रहा था, तो वो मेरा पहला महीना था ऑन एयर जाने का, और पहले महीने में ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे समझ नहीं आती थी करूँ क्या। शाम को आके मेरा गला बंद हुआ हुआ है, किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं इतना जिंदगी में बोला नहीं जितना मैं 1 महीने में बोल गया, उससे पहले तो बात ही नहीं कभी किसी से की, खामोश रहने का शौकीन था। तो वो खैर बड़े चैनल्स में ऐसे होता है कि आपको रिपोर्टर्स की टीम मिलती है, आपकी लाइव कवरेज की DSNGs होती हैं जो फील्ड पर होती हैं, आपने सवाल करने होते हैं, तो आप कम बोलते हैं वो ज्यादा बोलते हैं, लेकिन वहां पर कुछ था ही नहीं, वहां पे सिर्फ आपने ही बस तकरीर करते रहना, तो उसमें गलतियां भी बहुत की, लेकिन वो 5 6 महीने में इतना सीख लिया कि उसके बाद कोई खास मसला नहीं हुआ आगे बढ़ के। तो फिर वो नियो टीवी चले गए, वहां पे ऑडिशन दिया, 3 महीने ऑडिशन पड़ा रहा, कोई कॉल नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो बस वो एक रात ऐसी आई कि उनका जो नाइट शिफ्ट का एंकर था उसको कोई मसला हुआ, तो उन्होंने उसको शायद वो जो है वो जॉब छोड़ दी, क्या किया उसने, तो उन्होंने मुझे इमरजेंसी में बुला लिया कि तुम बस आ जाओ, हमारे पास नाइट शिफ्ट में एंकर नहीं है। अब मैं जिंदगी में कभी रात जागा ही नहीं, मैं वहां गया तो बस सारी रात जो है ना, रात 12 से सुबह 8 बजे तक बैठ के खबरें पढ़ना, मेरा तो मैं डिसिप्लिन का बड़ा आदी था कि मैंने पूरे 10 बजे सोना है, मैंने पूरे 8 बजे उठना है, तो वो सारा तहस नहस हो गया। बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि साथ साथ जो इमोशनल चैलेंज थे वो भी बहुत बड़े थे, और ये सारी चीजें भी चल रही थी, तो इनको मैनेज करने के लिए बहुत फ्रेश दिमाग चाहिए। मैंने देखा था अपने कॉलीग्स को कि अगर न्यूज एंकर्स को सर में दर्द भी होती है तो वो बुलेटिन नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि यार मेरा मेरी अटेंशन नहीं है, सामने प्रॉम्प्टर पे एक भी गलती हुई तो मेरा करियर एट स्टेक है, मैं नहीं कर सकता। बट आई यूज टू डू इट विद सच कंडीशन जो कि अनएक्सप्लेनेबल है, लेकिन ये मैनेज कर लिया कि वो सारा घर छोड़ के आना है, यहाँ पर सिर्फ आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। तो खैर वो काफी मुश्किल रही, उसमें कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से करता गया उसको, और ये भी सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता एक पहचान बन जाएगी, चाहे यहीं से बनेगी लेकिन कुछ ना कुछ और करेंगे उसका। ये आइडिया नहीं था कि यहाँ बैठे होंगे एक टाइम पे ये सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन बहुत ही ब्रेन डेड इंडस्ट्री थी, कॉलीग्स जो थे बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे, कोई चांस नहीं था अपना टैलेंट दिखाने का या कोई बात पढ़ी लिखी करने का, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, और बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड काम करवाते थे, और हर हर इदारे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका ये था कि यार ये हैज टू स्ट्राइव इस वे अप, तो उसमें यही है कि काफी ज्यादा लगता था कि ये जैसे अंडरमाइन कर रहे हैं मुझे, या मेरे टैलेंट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या यहाँ फायदा नहीं है, ये वो, उसको ड्रैग करते गए, और किसी तरह 4.5 साल के बाद ये फैसला किया कि आप इसको छोड़ देंगे, न्यूज एंकरिंग मजीद नहीं करनी, क्योंकि स्क्रिप्ट अगर आपको फीड किया जा रहा है तो ये फिर आपकी एक तोहीन है ना आपकी इंटेलेक्ट की, कि अगर आप अपनी मर्जी की कोई बात नहीं कर सकते, तो उससे तंग आके फिर छोड़ दिया उसको। और उसके बाद में प्रोग्रामिंग की ऑफर आ गई, और वो भी इसीलिए कि सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने देखा कि यार ही समबडी कुड डू इट, तो उन्होंने बुला लिया, तो फिर रिज्यूम कर लिया, अदरवाइज फैसला कर चुका था कि मीडिया में दोबारा नहीं जाना, क्योंकि इसकी जवाल की रीजन ही ये है कि यहाँ कोई नई बात, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या कोई ऐसा डायलॉग नहीं हो सकता जो ऑब्जेक्टिव हो, जो मंतिक पे बेस्ड हो या रीजनिंग जिसमें इन्वॉल्व हो, इसीलिए आप देख रहे हैं इसका क्या असर हो रहा है। तो उससे जो मायूसी रही वो उसको छोड़कर आ गए, लेकिन वो लक थी कि एक और अपॉर्चुनिटी मिली, तो अभी उसको रिज्यूम किया। कभी कोशिश करेंगे मुजम्मिल, क्योंकि आज मौका नहीं है कि रेटिंग सिस्टम पे और
जो हमारी जिस तरह इंडस्ट्री चलती है मीडिया में, मैंने भी काम किया है, जिस तरह न्यूज़ रूम का हाल होता है, कभी मेरा बड़ा दिल करता है कि लोगों को पता चले कि ये जो चकाचौंध आपको नजर आ रही है ना, इसके पीछे ऐसा कुछ है नहीं। खैर आगे चलते हैं। मुजम्मिल, फेसबुक, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया पे आने का किस तरह इरादा किया कि यार ये कुछ बहुत कुछ हो रहा है, मुझे भी बात करनी चाहिए? नहीं, उसमें मेरा तो मोटिवेशन ये था कि कुछ भी नहीं हो रहा। एक तो होता है ना, बहुत कुछ हो रहा है, मैं भी करूं। मेरा ये था कि कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि जो मेरी तरह के लोग हैं, उनकी ना कोई जो है ना वो इसमें कोई अपेयरेंस है, ना ये कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और हर जगह से जरील भी हो रहे हैं। तो उसमें ये था कि डिबेट्स करने के शौकीन थे और दोस्तों में बैठ के बहस कर रहे हैं किसी भी इशू के ऊपर। तो अब वो दोस्तों की मेजोरिटी ओवरवेलमिंग थी कि अगर 8-10 हैं तो 9 एक तरफ है और मैं अकेला हूँ हमेशा की तरह। कि वो कहते थे कि यार ये तो अजीब बात कर रहा है, मलाला यूसुफ़ज़ई, उसने क्या किया पाकिस्तान के लिए? गोलियां खाई हैं, मैं भी खा लूंगा, नोबेल प्राइज दे दो मुझे, या फिर उसकी जगह ईडी साहब को मिलना चाहिए था। फॉल्स पैरल्स क्रिएट करना, या फिर ये कहना कि जी वो मतलब हजारों मिसालें हैं उस पर वक्त जाया होगा देने के लिए। लेकिन उसमें ओपिनियन जो थी वो सप्रेस थी बहुत ज्यादा, और उसकी कोई रिकग्निशन नहीं थी। तो ये महसूस किया, और खास तौर पे 3-4 इशू ऐसे हुए कि उसमें गुस्सा इतना आ गया कि वो कमेंट्स में बहस करते करते 3-4 दिन लग जाते थे कि अगर किसी ने कमेंट किया मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसने कमेंट किया फिर मैं कर रहा हूँ, और लिख लिख के बुरा असर हो रहा है। तो मैं लेजी भी था, तो मैंने कहा नहीं यार, ये बात करने का तरीका वीडियो पे आके होना चाहिए कि जो बोला वहां पर बोल दिया, ताकि लिखने से वक्त भी बच गया उसका, और रीच थोड़ी शायद उससे जो है ना वो मेरे दोस्तों तक पहुंच जाए। जिस तरह मार्क जकरबर्ग ने सिर्फ फेसबुक इसीलिए सोची कि हम आपस में कनेक्टिविटी के लिए बना लें, तो मैंने व्लॉग इसलिए सोचा कि मैं सिर्फ दोस्तों के लिए बनाऊंगा, ताकि उनको समझाऊं कि यार ये बात नहीं, ये ऐसे है। तो इसीलिए कोई पेज नहीं बनाया, कोई यूट्यूब नहीं बनाई, और अपनी प्रोफाइल जो थी ना फेसबुक की, उस पर मैंने फ्रेंड्स मोड में पहली वीडियो लगाई थी, जिसमें मैं बात कर रहा था वो खलीलुर रहमान कमर वाले इशू पे, जब उन्होंने टीवी पर आकर कहा था कि वो लड़ाइयां भी की और औरत मार्च के बारे में गाली गलौज की सारी। तो बहुत गुस्सा आया हुआ था। और उसके अलावा तारिक जमील साहब की फिर उससे अगली तकरीर आ गई खूबसूरत, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि कोविड इसलिए है कि हमारी बच्चियों ने कपड़े उतार दिए। उसके बाद बहुत गुस्सा आया। तो यही था कि पूरा सोशल मीडिया उस राइट विंग पॉपुलिज्म के से आगे डिमोलिश हुआ हुआ था। मुझे अपनी किस्म की कहीं राय मिलती ही नहीं थी, और आप, मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा, शायद मुझे उस टाइम नहीं मिल पाया, या अब मैंने देखा है बहुत लोग हैं डिस्कवर किया है, उस टाइम नहीं कर पाया। तो वो दोस्तों के लिए, उनको स्नब करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, हाथ में मोबाइल पकड़ा यूं करके, और मेरा सिर्फ फेस होता था उसमें, इतना बड़ा, मतलब फ्रेम भी बनाना नहीं आ रहा और सारा सिर्फ उसमें फेस आ रहा है। तो उस तरह लगा दी एक दो वीडियोस। अब वो तारिक जमील साहब वाली जो वीडियो थी, जिसमें मैंने वो सारा बताया कि यार ये कोविड तो एक तो तफ्तान बॉर्डर से आया है, वो जो ईरान वाला इज्तिमा था, और एक तबलीगी जमात से आया है, आप सारा इल्जाम लगा रहे हैं फांसी पे। तो वो खैर उस पर बनाई और मैंने अपलोड कर दी, मैं सो गया। मैं सुबह उठा तो उसपे कोई 30,000 व्यूज हुए हुए थे, और मैं एकदम से ना मतलब शॉक में चला गया, क्योंकि मुझे उससे पहले एक दो दोस्तों ने कहा कि यार हमने शेयर करनी है, पब्लिक कर दो, मैंने कर दी। अब वो इतनी एक्सप्लोड कर गई कि उसपे 1500-2000 लोगों ने उसको शेयर कर दिया। मेरी तो जिंदगी में कभी किसी चीज में इतनी शेयर्स या व्यूज नहीं थे जितने एक रात में हो गए। तो मैं सुबह उठा तो लोगों ने गालियों पे गालियां दी हुई, और उन्होंने मेरी पुरानी तस्वीरें निकाल के डाउनलोड कर ली, मेरे रिश्तेदारों के जो अकाउंट मैंने मार्क किए हुए थे ना कि ये मेरा कजन है, ये वो है, वहां पहुंच के गालियां दे के आए, स्क्रीनशॉट लिए हुए कि मैंने चेक इन लगाया हुआ सिनेमा का, देखो ये तो गोरों की फिल्में देखता है इसलिए बकवास करता है। तो अब मेरा पर्सनल अकाउंट था वो सारा तबाह हो गया। तो एक तो मुझे खुशी भी हो कि यार चलो मेरी बात फैली, और दूसरा जो ये बॉम्बार्डमेंट हुई सारी, समझ ही नहीं आ रही थी मैनेज कैसे करना है उसको। तो खैर वो बहुत ज्यादा लोगों ने, कुछ ने आगे कहा कि भाई तू तो मारा गया, अपनी गर्दन बचा बस। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, बात तो करनी है अपनी, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जिसमें कोई भी ऐसी लॉजिकल चीज है या कोई इंसल्ट कर रहा हूँ किसी की, अगर कोई रीजन नहीं दी तो आर्ग्यूमेंट कर ले मेरे से। लेकिन 10 में से 9 लोगों ने कहा कि ये अब जिंदा नहीं रह सकता 1 महीने के बाद। तो कोई खास उसका असर नहीं लिया मैंने, और वो चलते गए उस पर। फिर कुछ लोग होते हैं जो 8-10 लोग होते हैं जो आपको इनकरेज भी करते हैं, तो उसमें फिर और इश्यूज आते रहे। फिर वो एक और मसला ये हो गया कि वो जो टर्किश ड्रामा हुआ अर्तुगुल वाला इम्पोर्ट किया इमरान खान साहब ने, अब उस पर मुझे वो पूरा एक मेरा, मैंने वो थीसिस डेवलप किया हुआ था कि ये जो वॉरियर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हमें, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट, इसने बहुत तबाहकुन असरात मुस्लिम माशरों पर डाले हैं, क्योंकि हम इसीलिए तरक्की पसंदी की बात नहीं करते क्योंकि हम उसी में फंसे हुए हैं कि ग्लोरी पहले थी अब नहीं।
तो उसपे भी वीडियो बनाई और वो सबसे ज्यादा वायरल वो हुई, उस पर तकरीबन 1 लाख व्यूज आ गए, और वो भी आउट ऑफ नोवेयर, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये प्रोफाइल से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोई पेज बनाया या कुछ और किया। तो अब वो इतना ज्यादा हो गया प्रोफाइल के ऊपर जो रीच थी लोगों की, कि उसमें लोग अटैक्स करना शुरू हो गए, मसला हो गया। तो फिर इसीलिए 3-4 महीने गुजरने के बाद मैंने पेज बनाया फेसबुक का, यूट्यूब तब भी नहीं बनाया, क्योंकि जी मैं दूर दूर तक सोच नहीं रहा था कि इस काम से पैसे कमाने हैं या कोई करियर बनाना है। मेरे तो वहम गुमान में ही नहीं था कि करियर भी बन सकता है, कोई और चीज हो सकती है। तो उसमें बस यही था कि अपनी बात करनी है, और एक ये जो वॉर है ना, जो इंटेलेक्चुअल फ्रंट पे, ये लड़नी है। क्योंकि राइट विंग को इतना खुला मैदान नहीं मिलना चाहिए कि वो जो भी कहते जाएं और उसका कोई भी आगे से रिबटल नहीं आ रहा। वीडियो के ऊपर लिखने वाले बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में, डॉन के आर्टिकल्स उस टाइम भी मैं पढ़ रहा था, लेकिन मुझे यही था कि ये लोग सिर्फ लिख रहे हैं, ये बात नहीं करते, और उससे नुकसान होता है, बैलेंस नहीं होती चीज। तो उसको बैलेंस करने का आगाज करने की कोशिश थी, सिर्फ वो करते गए बस आहिस्ता आहिस्ता, और बाद में सिलसिला चल पड़ा थोड़ा बहुत, ये कह सकता हूँ। मुजम्मिल, अब मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास सिर्फ बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आप जानते हैं जब हम, अब क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है सहाफ़ियों की कि हम क्रिटिक करते हैं, बहुत 3 बुनियादी सवाल हैं आपके काम पे, फिर हम आपकी ज़िंदगी पर वापस आ जाएंगे मुख्तसरन। कोई मसला नहीं। हमने जब जर्नलिज्म शुरू किया था तो सबसे पहले हमें यह बताया गया था कि या तो जर्नलिज्म कर लो या एक्टिविज्म कर लो, दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। लेकिन जब मैं आपका प्रोफाइल देखता हूँ या आपका ओवरऑल, जैसे अभी हमने बात भी की, तो आप खुद को सोशल क्रिटिक भी कहते हैं, तो जर्नलिज्म सोशल क्रिटिसिज्म ये साथ कैसे चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आप देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये जो पहली बात तो ये है कि बुनियादी तौर पे हर जगह जब जाता हूँ तो लोग पूछते हैं यार क्या लिखें, तो मैं उसमें या तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह देता हूँ या सोशल क्रिटिक कह देता हूँ, जर्नलिस्ट शायद ही कहता हूँ कभी भी। उसकी वजह यह है कि वो जो इन्वेस्टिगेटिव लेंस होता है ना, जैसे आपका है, क्योंकि आप पता चल रहा है कि आप एक एफर्ट कर रहे हैं जो ऑनेस्ट एफर्ट है जानने की कि ये चीजें कैसे हुई हैं और तब्दीली कैसे आएगी। मेरा जो कन्विक्शन थी वो ये नहीं थी, मैं ये कह रहा था कि ये ऐसे नहीं हो रही, ये गलत हो रहा है। सो आई वॉज देयर टू नॉट टू इंक्वायर बेसिकली, बट टू टेल अदर पीपल और मे बी असर्ट माई सेल्फ ओनली। तो उस पर यह था कि उस तरह से टेक्स्ट बुक जर्नलिज्म तो नहीं किया, क्योंकि जब मैंने देखा कि ऑब्जेक्टिविटी की जो बात करते हैं, न्यूट्रैलिटी की बात करते हैं, वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाते हैं माशरे में। इसमें सिर्फ ये है कि अगर आपके अपने जो आइडियल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं और आप उसके खिलाफ नहीं बात कर रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी कॉज अंडरमाइन हो रही है। तो बहुत जगहों पर पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि आई हैव नेवर बीन अनबाइस्ड, बिकॉज दैट इज नॉट माई पर्पज टू डू इन द फर्स्ट प्लेस। अगर अनबायस होने का ये ताल्लुक है कि एक तरफ आप पॉपुलिज्म फैलता हुआ देख रहे हैं और आप सियासत में मजहब का बेदरेग इस्तेमाल देख रहे हैं, आप खवातीन के खिलाफ होने वाले जुराइम के बावजूद टीवी पे बैठे हुए लोगों को ये कहता हुआ सुन रहे हैं कि यार औरत छोटे कपड़े पहनेगी उसका रेप हो जाएगा, ठीक है, आप ये सब कुछ होता देख रहे हैं और आप तब भी कहें कि अच्छा ये इमरान खान साहब ये तो आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है मैं जर्नलिस्ट हूँ मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगा, तो मेरे में वो चीज है ही नहीं जो इतना ऑब्जेक्टिव लेंस से एक मेंटेन करे कि हाँ ये भी ठीक है ये भी ठीक है। तो मुझे ये लगा कि चंद आरा जो होती हैं वो बहुत इन्फीरियर होती हैं दूसरे बंदों की राय से। तो मैंने क्वालिटी और नॉन क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क पाया है, और मैंने यही देखा है कि अगर आप इस तरह करते हैं कि आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस से चलने की कोशिश करते हैं, तो इस मुआशरे में शायद आपकी जगह नहीं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर सर्वाइवल नहीं हो सकता तो आपके तमाम आइडियल्स भी हार जाते हैं। सबसे पहले सर्वाइव करना पड़ता है, पावर गेन करनी पड़ती है, उसके बाद आइडियल्स आपके तभी कन्फ्रंट करने के काबिल होते हैं आपको। आपने भी मुझे आज आज इसलिए बुलाया हुआ है अपनी इस गुफ्तगू के अंदर, क्योंकि आप एक दूर जगह पर बैठ के आपने मुझे डिस्कवर कर लिया। इसका ये मतलब नहीं कि मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मेरे से हजार बहुत और लोगों का अच्छा होगा, लेकिन प्रोमिनेंस में आने के लिए जो ताकत चाहिए वो लैक करते हैं, इसीलिए वो आज यहाँ नहीं बैठे मैं बैठा हूँ। तो इसीलिए मैंने ये देखा कि अगर बुनियादी तौर पे एक्टिविज्म की जो बात है वो भी मुख्तलिफ है, लेकिन एक पब्लिक इंटेलेक्चुअलिज्म प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, और ऐसा नहीं कभी भी कहा कि मैं वो कर चुका हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। एक किताब नहीं लिखी अभी तक, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई मुफक्किर हूँ या ये है, कुछ भी नहीं है ऐसा। सिर्फ बात इतनी है कि अपने आइडियाज को जो है वो असर्ट करने से कभी शर्माया नहीं हूँ, और सहाफत अगर उसकी राह में आएगी तो मैं सहाफत को उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं एक प्रोफेशन के लिए अपनी पर्सनैलिटी को अंडरमाइन कर दूँ। सो व्हाट आई कैन शॉर्टली से इज दिस इज हु आई एम। मुजम्मिल, इसमें दूसरा सवाल ये कि जिस तरह मुझे जो मेरा आपसे तारुफ हुआ, वो पहला तारुफ यह था कि जब आपने वीडियो बनाई थी कि हम लिबरल्स हैं और हम इस आइडेंटिटी को ओन करते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है।
तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो सिलसिला रहा, और हर पाकिस्तानी की तरह कि आपके आपकी वीडियोस देखते भी हैं, एग्री भी करते हैं, कभी डिसएग्री भी करते हैं। जिस तमकिनत से, जिस उरूज से आपने लिबरलिज्म को पढ़ा है, फिलासफी को पढ़ा है, और जिस तरह आप तनकीद करते हैं अमूमी तौर पर, ज़ाहिर है आपका हक है, हर किसी का हक होता है कंजर्वेटिविज़म पे, आपने उसी दयानतदारी के साथ और उसी तफसील के साथ उनके आइडियाज़ को भी पढ़ा है? लाइक जब किन जब के? कोई जब ओवरऑल इस्लाम के आइडियाज़ की बात कर लीजिए, या फिर वो जो कंजर्वेटिव हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी है, इस जो तमाम आइडियाज़ एंटी लिबरल हैं, जी, उनको हाँ भी नहीं आपने उसी देखें तरह पढ़ा है? जी, मेरी मेरी अगर इस टाइम 29 साल उम्र है तो 27 साल मैंने उन आइडियाज में गुजारी है, तकरीबन 26 साल। ये बाकी के 3 साल जो हैं वो एक लिबरल सोच की तरफ उन्होंने माइल किया। उससे पहले 26 साल तो रहा भी उसी मुआशरे में, डीपली कंजर्वेटिव मुआशरे के अंदर। इसके अलावा जो है वो कहना चाहिए कि जो पहली रिलीजियस बुक मैंने खरीदी वो सही बुखारी की हदीस की किताब की एक जिल्द थी, ठीक है, वो उसको मुकम्मल तौर पे पढ़ा, गौर से पढ़ा उसको। इसके अलावा जाहिर बात है बुनियादी तालीम घर से शुरू हो जाती है, तो वो इतनी अर्ली एज में जो कुरान करीम की तालीम थी वो घर वालों ने दिलवाई और उसको भी पढ़ा, तो वही जो एक रिलीजियस लाइफ होती है, ऑर्थोडॉक्स लाइफ होती है, वही गुजारी है। इसीलिए मैंने आपको जो अपनी अर्ली लाइफ बताई वो अकाउंट इसीलिए बताया कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं लंदन गया, वहां पर बस मैंने स्कूलिंग मेरी वहां की है, फिर मैं मलेशिया चला गया, फिर मैं वहां चला गया, तो उनसे शायद ये सवाल हो तो लोग चौंक जाएं कि यार अच्छा उन्होंने भी पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं तो ऐसी डीपली रिलीजियस सोसाइटी से उठ के आ रहा हूँ जहां पर मेरे दोस्त अहबाब हों, मेरे रिश्तेदार हों, मेरे घर वाले हों, तो उस मुआशरे में रह के मतलब मैंने एक प्रैक्टिसिंग जो है ना, एक डिवाउट मुस्लिम की जिंदगी अपनी मेजोरिटी लाइफ में गुजारी है। अब मैं प्रैक्टिस इतनी शायद ना करता हूँ, लेकिन बात वही है कि अगर आप ये कहें कि मैंने तजुर्बा ही नहीं किया या मुशाहिदा ही नहीं किया उन लोगों के दरमियान रहकर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। और दूसरा जो राइट विंग की बात है, आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल, और मैंने मेरे जो पुराने 5 6 साल पुराने जो स्टेटसेस जो मैंने दिए हुए हैं मुझे अक्सर डिलीट करने पड़ते हैं क्योंकि मैं इतनी बकवास कर रहा होता हूँ उसमें कि स्ट्रिक्टली पेट्रियार्कल व्यूज हैं जिसमें खवातीन को बिल्कुल बराबर नहीं समझता, और मैं खवातीन के मोबाइल इस्तेमाल करने के भी सख्त खिलाफ था कॉलेज तक, ठीक है। इसके अलावा मतलब ऐसी मिसालें दूंगा जो शायद आपको यकीन ना आए क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हुई है, और ऐसी हजार जगह पर लड़ाइयां भी ले चुके हैं जहां पर ये इज्जत गैरत वाली बात आ गई और आपने कहा कि नहीं जी बस जो है ना, और वो भी बाद में, बचपन में तो नहीं, खैर ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी पहले उसमें। तो यही है कि उन तमाम इश्यूज को समझा भी है, प्रैक्टिस भी किया है और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया बनाया है जिनको आज मैं बुरा कह रहा हूँ, उसकी वजह कि उससे उठ के आ चुका हूँ और देखा है कि वो कितना तंग नजरी का एक जो है ना वो एक तरीका है जिंदगी है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑनर और एक कलेक्टिव कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें फर्द की आजादी की कोई गुंजाइश आपको दिखाई नहीं देती। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो मारे खाने से जो चीजें समझ आई उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और कभी ये नहीं कहा कि ये वाला तरीका बेस्ट है और ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो लिबरलिज्म वाली जो वीडियो थी शायद उसको भी मैं आज ना बनाऊं, उसकी वजह ये है कि इवॉल्व करना इज दी ओनली कॉन्स्टेंट ऑफ माई लाइफ। हर साल एक नया आइडियल बनता है और कुछ नई किताबें पसंद आती हैं, अगले साल वो बकवास लगती हैं और उन्हें रिजेक्ट भी कर देता हूँ। तो ये एक इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो है वो एक आंसर ये होना चाहिए कि आप किसी को कल्ट ना बनाएं, चाहे वो कोई फलसफी है या वो कोई सियासतदान है या कोई भी है, हिस्टोरिकल फिगर है, कुछ भी है, क्योंकि आइडियाज जो है उनको कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप एक थिंकर होना क्लेम करते हैं। मुजम्मिल, इस बारे में आखिरी सवाल, क्योंकि जाहिर है ये कंट्रोवर्सी के लिए, उस सब के लिए है ही नहीं, हम सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं। जब मैंने पिछला भी आपका इंटरव्यू किया, या अमूमी तौर पे जब भी आप बात करते हैं, तो हम प्रॉब्लम की निशानदेही तो करते हैं। पिछली बार जब आपसे इसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात हुई थी, तो आपने कहा था कि आपको कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए नज़र नहीं आता। क्या वाकई कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, या आपको नज़र नहीं आता, या क्या सिचुएशन है? अब ये मसाइल आप स्पेसिफाई अगर करेंगे ना तो उसमें ये है कि पिछली बार भी ये हुआ था कि वो जो एम्बिट है डिबेट का अगर वो बहुत बड़ा होता है, लेट्स से हमने ये कहना है कि हमने तमाम मुआशरती सियासी या फिर जो बैनुल अक्वामी मसाइल पाकिस्तान की रियासत को दरपेश हैं या फिर जो हमारे मुआशरे के अंदर फॉल्ट लाइन्स हैं, एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं, पोलिटिकल फॉल्ट लाइन्स हैं, उनका क्या करना है। तो अब देखे ना, एक अननेचुरल चीज अगर आप कर दें, ठीक है, और मैं अगर इस तरह हूं कि मेरी एक सेक्सुअलिटी है या फिर मेरी एक ओरिएंटेशन है, मैं उसके अगेंस्ट जाके एक रिलेशनशिप में चला जाऊं और फिर कहूं कि यार इस रिलेशनशिप को फिक्स करने का कोई तरीकाकार है कि इसमें, तो फिर मैं क्या उस पर, ये हो सकता है कि आप अपना या तो कोई
ऑपरेशन करवा लीजिए, या फिर आप जो है ना अपनी ओरिएंटेशन के मुताबिक एक रिलेशनशिप रख लीजिए, यही हो सकता है। अब सही अगर एक अननेचुरल चीज पकड़ के बांध के बनाई है, ठीक है, नेशन क्या होती है, एक इंडियंस जो थे या हिंदुस्तान जो है उसमें हिंदुस्तानी एक तहजीब कितने अरसे से रह रहे हैं, इसके अलावा जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, अगर फ्रांस को देख लें, जर्मनी को देख लें, इटली को देख लें, अमेरिका को देख लें बेशक, अब अगर एक नेशन है और उनमें एक हमांगी की फजा है और उनमें कॉमनैलिटी एग्जिस्ट करती है, सो देन दैट नेशन केम फर्स्ट एंड देन केम द कंट्री। हमारे ये है कि कंट्री तो इनकारनेट हो गया, लेकिन अब नेशन बनाने का प्रोजेक्ट रियासत के हाथ में। अब उन्होंने जान मार के देख ली, पहले 56 तक तो आपका पता ही नहीं था कि आप इस्लामी हैं सेकुलर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आया 56 में, तब आपने इस्लाम कबूल किया, 62 में फिर सेकुलर हो गए, फिर उसको अमेंड किया आपने कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर उसमें लगाया कि इस्लामिक रिपब्लिक है। तो ये तजुर्बे इतने चलते रहे हैं कौम बनाने के, तो बेस्ट तरीका ये था कि कुछ डिफाइन ही ना करने देते, ना रियासत साइड लेती किसी मजहबी फिरके की और ना किसी एथनीसिटी की, जैसे पंजाबियत को यहाँ पे फरोग दिया गया बाद में, और बांग्लादेश खोया आपने उसी की वजह से, जिसका अभी वो दिन आ रहे हैं जब सुकूत ढाका हुआ था। तो यही चीज है कि मसाइल का हल यही है कि बहुत से लोगों के पास होगा, और मुझे तो यही लगता है कि ये जो अननेचुरल सेटअप बनाया हुआ है इसमें या तो रियासत का असल रसूख जो फिलहाल बना हुआ है, वो मेरी या आपकी पॉडकास्ट देखकर कैसे ठीक होंगे। अगर मैं एक सोल्यूशन बताऊं अभी और कहूं कि ये मसले का हल है, तो वो नहीं हो सकता ना। अगर आपने उन लोगों से लड़ना है तो आपको उतनी ऑल्टरनेटिव पावर चाहिए, जब पावर बैलेंस हो जाएगी तो उसके बाद आप उनको सोल्यूशन बताने के काबिल होंगे। अभी आप कोई भी बात करते रहे तो मुझे वो फ्यूटाइल लगती है। तो यही एक तरीका है जिसकी वजह से मैं अवॉइड करता हूँ ऑप्टिमिज्म को, या मुझे वैसे ही ऑप्टिमिज्म समझ नहीं आता, इसीलिए मैं मसाइल का ये जो हल है या पाकिस्तान का जो बिगाड़ है इसको फिक्स करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन कह सकते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी बैरक्स में वापस चली जाए, अगर मौलवी अपने मस्जिद में वापस चला जाए, तो बहुत से मसाइल कम हो सकते हैं। और रियासत का जो रोल है एक गार्ड करने का मेंटली, कि हमने बताना है पाकिस्तानियत क्या होती है, अकाइयों ने कैसे बिहेव करना है, तो वो जो बिग ब्रदर है ना 1984 वाला, जॉर्ज ऑर्वेल वाला, अगर वो कोई करना है अभी तक तो चलेगा नहीं, बात ये है। तो अब अनकंडीशनली इसमें कोई एक जगह पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, और इस पे आंसर हमेशा सुपरफिशियल लगेगा, क्योंकि डिबेट का एम्बिट ही बहुत बड़ा है कि तमाम मसले हल कैसे हो सकते हैं। इवन मसाइल पे कंसेंसस नहीं है, ऐसे आपने ही अपने अपने जो इंटरव्यूज में और लोगों को बुला रखा है, आप खुद ये मुझे बात बताएंगे कि जो आपने मसाइल, मैंने जो स्पॉट किए हैं, उन्होंने ये नहीं किए। अगर कोई और आता है वो कहता है कि हमारी इखलाकी बदहाली मसला है, हमारी इखलाकियात तबाह हो गई है इसलिए हम मार खा रहे हैं, कोई और आएगा वो ये कहेगा कि क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा हो गया वो मसला है, कोई आएगा वो कहेगा हमारा फलसफा ठीक नहीं है वो मसला है। तो मैं इसीलिए मसाइल से आगे बढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी दूर की बात क्यों करूं कि वो छलांग मारूं और वहां पहुंच जाऊं, जब कंसेंसस नहीं हो रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला ये है कि एक जूरिस्प्रूडेंस पे भी यकीन नहीं है। कबायल कहते हैं कि हमें कबायली लॉ से जो है ना वो डील किया जाए हमारे साथ, जिस तरह पश्तून वली है, या फिर जो बलोच ट्राइबल लॉज हैं वो आपकी रियासत की जो है ना वो जो पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए पहले दिन से, क्योंकि आपने भी वहां FCR लागू किया। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आधे लोग ऐसे बैठे हुए रियासत के अंदर, इवन लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्वे हुआ और जगहों पे हुआ, वहां पर 40% कह रहे हैं शरिया चाहिए, पीछे रह गए 10-20% वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करो। तो अगर मैं और आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमने उसके लॉज को ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो मसाइल और सोल्यूशंस की तो बहुत दूर की बात है। ये बात है कि अगर हम ट्रीट ही नहीं होना चाहते एक रियासत के हाथों, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। बगैर इमरानी मुआहदे के रियासत में क्या ठीक होना है, मैं पीपल, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द पीपल इन द फर्स्ट प्लेस। अगर सारे अमेरिका का कंसेंसस है एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे, मैग्ना कार्टा पे ब्रिटिश बंदे का कंसेंसस है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रांसीसी बंदे का कंसेंसस है, तो वो उसको फिक्स करने का तरीका है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है, इस पे अमल दरामद करें, इनको हकूक दें, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ लोग कहते हैं कि भाड़ में गया कॉन्स्टिट्यूशन। इवन आप रिलीजियस लेजिस्लेशन की बात कर लें, तो जो कानून में लिखा हुआ है कि ड्यू प्रोसेस से गुजर के सजा मिलेगी, कोई नहीं मानता उसको, सब कहते हैं पहली पेशी पे गर्दन उतार दो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक कंसेंसस आपने रियासत के बुनियादी ढांचे के ऊपर ही नहीं किया था, जब पश्तून उस टाइम कह रहे थे कि ड्यूरंड लाइन वाला मसला हमारा नहीं हल हुआ, ठीक है आपने पकड़ लिया, के अजीज की किताब में लिखा हुआ है रेफरेंडम जो आपने करवाया कितने परसेंट सच था उसमें, ठीक है, और 50% तकरीबन 40% लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया, बाकियों ने लिया, उसमें से पता नहीं कितना रिजल्ट आया।
फिर वो खान ऑफ कलात को तो आप वैसे अरेस्ट करके ले आए बलूचिस्तान से, ठीक है, दो सूबे हो गए। गिलगित वाला मसला अब तक चल रहा है आपका, उसकी वजह यह है कि उनको अभी तक आपने अटोनमी नहीं दी, एक सीट पार्लियामेंट में नहीं है उनकी, वहां पार्लियामेंट खड़ी की है, टूथलेस है, ठीक है। कश्मीर वाला मसला आपके सामने, तो अगर अकाइयों से पूछा ही नहीं, क्योंकि लेजिस्लेशन का कानून ये है कि मैं उस फैसले, वो फैसले का इतलाक मेरे ऊपर कभी नहीं हो सकता जिसमें मैं शामिल नहीं था, जिसकी राय लेने के लिए। तो जो इमरानी मुआहिदा मेरी गैर मौजूदगी में हुआ है उस पर कैसे उसका उसका इतलाक मेरे ऊपर हो सकता है? तो इसीलिए ये जो पैरेलल मॉडल्स हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप ये पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ लें या री जी इमेजिनिंग पाकिस्तान पढ़ लें, हजार किस्म के जो थीसिस पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं वो सब यही कह रहे हैं कि ये बुनियादी फॉल्ट लाइन तब से शुरू हुई हुई है, जब वो सही नहीं होगी तो कैसे फ्यूचर का विजन दें। तो ये डिसफंक्शनैलिटी रूट्स में है उसके, और अगर वो उसकी रूट्स को जाके फिक्स नहीं करना चाहते या उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो आगे का विजन देना इज वेरी वेरी टॉक्सिक ऑप्टिमिस्टिक फॉर मी। इसीलिए मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं उस स्टेज पे कैसे जाऊं जब तक कंसेंसस ही नहीं हो। मुजम्मिल, क्योंकि ये तमाम गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी के बारे में, मैं चाहता था कि इन पर सिर्फ आपका ओपिनियन आ जाए। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, लेकिन माहौल को लाइट करने के लिए जो आपने सॉल्यूशन बताया कि फौजी बैरिक्स में चले जाएं, उलमा मस्जिदों में चले जाएं और रियासत में कॉन्स्टिट्यूशन का राज हो, तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना कि फिर मैं ना ही समझूँ। ना ही समझने वाली बात है, उसकी वजह यह है कि बहुत सा रोजगार बंद हो जाएगा, और जाहिर बात है कि इकोनॉमी ऐसी बनी हुई है आपकी जो कि इवन आप देख लीजिए कि खैर क्या कहें उस पे, यही बात है ना, जी आपने आपने अपने ह्यूमर से भी इस बात को हिंट कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अब वही मैं शुरू में कह रहा था कि जब तक ऑल्टरनेटिव पावर नहीं आती तो कोई भी एक्शन वॉलंटरी एक्शन नहीं होता। दुनिया की तारीख में किसी ओप्रेसर को खुद ही सुबह उठ के समझ नहीं आई कि मैं गलत कर रहा हूँ, अनटिल दे वर टेकन इनटू अकाउंट के यार ये तुम क्या कर रहे थे। तो इसीलिए मैं सबको ये समझाता हूँ कि आप अगर ये सोचते हैं कि एक दिन मेरी बात किसी को समझ आएगी, मसला अंडरस्टैंडिंग का नहीं है, पावर को पावर कैंसिल करती है, रैशनलिज्म कैंसिल नहीं करता। इसीलिए खाली रीजन बोलना इज ऑल्सो नॉट इनफ अंटिल यू रेज एन आर्मी ऑफ पीपल हु बिलीव इन रीजन। मुजम्मिल, हम आगे चलते हैं, क्योंकि जैसे पूरा थॉट यही था कि हम आपको समझ सकें, तो किसी भी इस चीज़ में जाए बगैर कि जिससे कोई अजीब सी कंट्रोवर्सी या अजीब सी बात हो सकती है, क्योंकि आपने मजहब की बात कोई बात नहीं चलती आजकल। नहीं, मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि कोशिश यह है कि आपको समझा जाए जिस तरह हर समझाने वाले को समझना चाहिए। तो सवाल मेरा ये है कि खुदा से आपका किस तरह का ताल्लुक है? और मैं सिर्फ अपने पहली तमहीद का मकसद बता दूं, क्योंकि मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता कि आप मजहब के बारे में क्या सोचते हैं, चाहे वो कोई भी और फॉलो करते हैं या नहीं, हम इसको सिर्फ यहीं तक रखते हैं। खुदा से किस तरह का रिश्ता है आपका, अगर कोई है तो? देखें उससे तो मतलब हर चीज में एक व्यू पॉइंट जो है वो इवॉल्व करता है, और मेरा कभी भी कोई भी व्यू पॉइंट फ्रीज नहीं रहा, चाहे वो सोशल वैल्यू हो, कोई रिलीजियस वैल्यू हो या पॉलिटिकल वैल्यू हो। तो उस पे हर मोमेंट पे मैं आपको इसका डिफरेंट आंसर कर सकता हूँ। जैसे लेट्स बिगिन के जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम पे जो मेरा व्यू पॉइंट था उससे बहुत मुख्तलिफ कॉलेज में हो गया, तो जब कॉलेज में था उससे बहुत मुख्तलिफ आगे जाकर हो गया। तो शुरू में तो ये था कि आई मीन आई यूज टू बी वेरी पेट्रीफाइड, बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं ना कि जो एक डिवोशन जो आपकी होती है वो ज्यादा फियर की वजह से आपको बचपन में महसूस हो रही होती है, क्योंकि वालदैन ने और मुआशरे ने इतना डरा रखा होता है कि यार ये तूने हरकत कर दी तू नहीं बचेगा, और ये कर दी तू नहीं बचेगा। तो उसमें कभी जो है ना वो अक्सर सोचना कि यार एतकाफ पे नहीं बैठे तो अब क्या होगा, अब पता नहीं बख्शिश होती है या नहीं होती। तो अब उस पर लोगों से कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा मेरा दोस्त जो है ये इसने इतनी नमाजें पढ़ ली हैं, मैंने इतनी पढ़ी हैं। और वो ये है कि उसमें फिर एक बड़ी सुपरफिशियल सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है पाकिस्तान में जो मजहब जिस तरह प्रैक्टिस होता है, इसमें थियोलॉजी का अलिफ बे भी नहीं किसी को आती, ये सिर्फ नुमाइशी तरीका कार एक इख्तियार होता है। और उसमें अगर अगर किसी ने तीन चार पढ़ ली है नमाजें दिन की आके, तो जब तक आपको जलील नहीं करेगा ना कि हाँ तूने पढ़ी है मैंने पढ़ ली, तब तक ठंडा नहीं होता इंसान ना, बोस्ट करता है उसको। तो पॉपुलर कल्चर में यहाँ पर स्कूलों में और चीजों में रिलीजन एंड गॉड वॉज अ ग्रेट पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि आप सुबह से जा रहे हैं तो एक तिलावत का आगाज हो रहा है, इसके अलावा जो है वो आप अरेबिक भी पढ़ते हैं उस, और करिकुलम भी आप जो है ना वो आप पढ़ते हैं, घर जाते हैं तो वालिदैन भी आपको वो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम ना स्पेंड हुआ हो, बट उसमें बहुत ज्यादा वेग और वही मैं बताऊंगा ना एक फियरफुल आइडिया था।
उसकी वजह यह है कि फियर वॉज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, और वो हर तरफ से ही महसूस हुआ करता था, क्योंकि जो अपब्रिंगिंग थी मेरी उसमें फियर का बहुत बड़ा रोल था। वो पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है कि वो कैसे गॉड को प्रोजेक्ट करवाते हैं, क्योंकि अगर एक निशोनमा अभी बच्चे के दिमाग की नहीं हुई, और अगर आपके पेरेंट्स ने उससे पहले ही आपको, या फिर एक मुआशरे ने आपको ये इमेज दे दिया है कि ये नहीं करेगा दोजख में जाएगा, ये नहीं करेगा आग में चलेगा, तो उससे यही होगा कि आप एक इमेज ऐसा बनाते हैं कि एक ऐसी ऐसी कोई चीज है जो हर वक्त स्क्रूटनी में आपको डाले हुए है, और आपका छोटे से छोटा एक्शन भी सिवियरली स्क्रूटनाइज हो रहा है। तो खैर वो शुरू में वो था, और कहना चाहिए कि शायद कॉलेज तक उस तरह रहा कि मैंने रीडिस्कवर नहीं किया इस आइडिया को कभी भी, क्योंकि उसकी रीडिस्कवरी के अंदर भी मैं बहुत ज्यादा जो है वो खौफ ज्यादा था कि यार इस पे कोई और टेक भी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद सोच सकता हूँ मैं कि उसमें थोड़ा सा सॉफ्टन होना शुरू हुआ मेरा इमेज, और उसमें मैं हार्ड लाइनर से थोड़ा सा मॉडरेशन की तरफ आना शुरू हुआ, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल एक हार्ड लाइनर ही था। इनफैक्ट सुसाइडल किस्म का हार्ड हार्ड लाइनर जो होता है ना, जो कहता है कि या मार दो या मर जाओ, वो सूरत हाल थी। तो अब ये इससे ज्यादा डिटेल तो उस टाइम नहीं बता सकता कि मैं कर क्या रहा था या क्या कुछ नहीं, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं सुसाइडल था, लेकिन वो यही था कि एक रेडिकल जो इंटरप्रिटेशन होती है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, जो सऊदी सलाफी वर्जन जो हमारे 80s में पाकिस्तान में आता है, तो वो बिल्कुल मेरे दिमाग में वो था। उसके अलावा कुछ भी नहीं था मेरे जहन में। ये नहीं था कि ये मुताजिला क्या होता है, मेरे जहन में नहीं था कि रैशनलिज्म और थियोलॉजी साथ चल सकती है, या मेरे जहन में ये नहीं था कि आप मॉडरेट मुस्लिम भी हो सकते हैं या फेमिनिस्ट मुस्लिम भी हो सकते हैं, कहीं दूर दूर तक नहीं था। मुझे ये था कि यार ये चीजें, अगर इनमें से एक चीज भी लेफ्ट राइट हुई तो आप दायरे से बाहर है। तो ये कहना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में आके फलसफे से जब इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसमें मॉडरेशन मेरे अकायद में आना शुरू हुई। एक टाइम ऐसा भी आया जो मैं ओपनली कहूंगा कि मुझे लगा कि हमारा जो रॉट है, जो ज्यादा जो मुआशरे का रॉट है, जो यहाँ पर मसला है, वो ये है कि वो सारा कुछ है ही बिलीफ सिस्टम की वजह से। लेकिन फिर उससे आगे बढ़े, जब एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी आप पढ़ते हैं और आप मीनिंग को चैलेंज करने लगते हैं, तो आपको समझ आती है कि यार ये चीजें जो हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि सारा मुआशरा इनको उखाड़ के बाहर फेंक देगा, पीछे छोड़ देगा, तो आप बेवकूफ हैं। उसकी वजह यह है कि नीचे ने भी कहा था कि हर दिमाग की एक स्ट्रेंथ इस लिहाज से मेजर होती है कि वो कितना सच बर्दाश्त कर सकता है। एक का हॉर्स पावर इंजन और है, आपका और है, किसी और का कोई और होगा। तो अब जितनी जिसके इंजन की कैपेसिटी है, वो उतनी स्पीड पे चल सकता है। अगर आप किसी को ये कहें कि यार तुम मेरी स्पीड पे चलो, ये हो नहीं सकता। तो मैंने ये एक्सपेक्ट करना छोड़ा कि मेरा जो आइडिया है खुदा का, वही दूसरों का होगा। जो मेरा इमेज है एक सुपर नेचुरल फोर्स का, वही लोगों का होगा। तो उसमें पोस्ट मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ने भी मुझे बड़ा हेल्प किया, और मेरा मुझे आज भी याद है जब मैंने वो दो लाइनों का कोट पढ़ा, पोस्ट मॉडर्निज्म का जो बेसिक प्रेमिस है कि योर ट्रूथ इज योर, माई ट्रूथ इज माइन, एंड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ इट डज नॉट एग्जिस्ट, जो नीचे भी कहता है। तो मैं इस पे हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी रियलिटी जो बनी थी, या मेरी आंखों के सामने जो दुनिया का, या आखिरत का, या एवोल्यूशन का, या हर चीज का एक इमेज है, वो किसी और का कोई और हो सकता है। क्योंकि आप ये सोचते हैं ना कि ये सच है, इसको मैं यकीन कर रहा हूँ, ये जो बाकी है ये नहीं करते। आप ये नहीं सोचते कि दे हैव देयर ओन वर्जन ऑफ ट्रूथ। सो नाउ आई थिंक दैट आई हैव गॉन पास दैट स्टेज, जिसमें मैं ये कहूँ कि मेरा खुदा का जो नजरिया है वो मैं पब्लिसाइज इसलिए करूँ कि लोग भी उससे अग्री करेंगे, और जो नहीं करते वो बेवकूफ हैं। मेरा ख्याल है कि ये इट हैज नेवर बीन अबाउट ट्रूथ, बिकॉज इट्स अबाउट सेफ्टी। और बहुत से लोग साइकोलॉजिकली ऐसे होते हैं कि दे डोंट केयर फॉर ट्रूथ, दे केयर फॉर सेफ्टी, और जहां उनको सेफ्टी मिलती है वो वहां जाते हैं। इसीलिए अगर आपने सच की जंग लड़नी है बहुत बड़ी, तो आप उसमें फ्लॉप ही होंगे, क्योंकि कोई भी चीज आके जो है वो ये नहीं कर सकती कि वो आपके अकायद को रैशनलिज्म की बेसिस पे एनफोर्स भी करवा दे। मैं समझता हूँ जिसने जो चीज प्रैक्टिस करनी है उसे करने दी जाए, और सेकुलरिज्म का मुकदमा भी यही है। मुजम्मिल, मोहब्बत हुई है कभी? मैं क्या सवाल कर लिया आप? रिपीट कर देता हूँ, मोहब्बत हुई नहीं, है कभी? उसमें कह सकते हैं कि अब ये किस तरह की, खैर उस वक्त जो यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज में जब जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं तो खैर बड़ा ज्यादा सेग्रीगेशनल एनवायरनमेंट में रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज भी ऑल बॉयज था और स्कूल भी हमारा ऑल बॉयज ही था। और उससे पहले आई मीन आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट शाय किड्स इन द टाउन, के वो जाकर जी
ऑपोजिट जेंडर से बात करने से पहले दिमाग ही खराब हो जाता है कि अब करना क्या है, अपनी पड़ जाती, तो कॉन्फिडेंस आ गई नहीं था माशाल्लाह। और ऊपर से ये वाला काम तो बहुत ही मुश्किल था, किसी खातून से जाके बात कर ले हो ही नहीं सकता। तो उसमें ये था कि मेरा जो कंजर्वेटिज्म था वो कभी भी हाइपोक्रिटिकल कंजर्वेटिज्म नहीं रहा। जिस तरह मैं देखता हूँ कि बड़े लोग जो खुलेआम इस्लाम को असर्ट करते हैं, बेचते भी हैं उसको, उससे पैसे कमाते हैं, और वो प्राइवेट लाइव में हर किस्म का काम करते हैं, मैं उनको जज नहीं कर रहा, वो जो मर्जी करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इखलाकी बुनियादों पर उनको डिस्करेज मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उस तरह की इखलाकियात कंडोन ही नहीं करता। तो मेरा ये था कि अगर अगर आप एक चीज की फिलॉसफी को मान रहे हैं, उसको इतना सीरियस लेना कि उसको सर पे चढ़ा लेना, अभी भी ऐसे ही करता हूँ, कि जो फलसफा समझ आ रहा है उसको हर जगह अप्लाई कर दो, सियासत में भी कर दो, जिंदगी में भी कर दो। उस टाइम वो समझ आ रहा था कि शरीर कंजर्वेटिव थे, तो जहन में यही था कि अगर खातून से बात की या ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट किया तो फिर तो आप पक्के दोबारा से वही कहूंगा जहन्नमी है। ठीक है, अब ये मानना बहुत से लोगों के लिए, बहुत से लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि अगर वो कोई ऐसी बात हो रही तो मैं कर भी देता, क्योंकि कर चुका हूँ ऐसी बातें जो जिससे फ्राउन करते हैं लोग। तो खैर बड़े अरसे तक वो चला, और कॉलेज तक तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं था कभी ऑपोजिट जेंडर से, जीरो, नेवर बीन देयर। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाहिर बात है एक एनवायरनमेंट होता है जहां पर खवातीन और जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं इकट्ठे पढ़ते हैं, तो उसमें बस कुछ एक्सपोजर इस तरह का हुआ, एंड देन आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप एज वेल इन यूनिवर्सिटी जब मैं बीएस में था। बट वो टोटली इरेशनल था, उसमें कोई चीज नहीं थी दिमागी, और कोई पैमाना नहीं था कि कुछ सोचता कि भाई ये क्या कर रहे हो, या फिर देख लो अगले बंदे को कुछ मुश्तरक भी है या नहीं है। तो उसमें भी माशाल्लाह चावल मारी पूरी, और उसमें वो ऐसी ऐसी हरकत की कि वो 4-5 साल गले पड़ी रही, बड़ा आगे चले गए उसमें, और बिकॉज आई वॉज एंगेज एज वेल, तो ये मैं कह भी चुका हूँ कि वो ब्रेकअप हुआ था बाद में। लेकिन उससे ये है कि खास खास तौर पे एक समझ आई उस चीज की भी यार, कि आप अगर आप एक ऐसे इंसान है जो मंतिक और रीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर उसको हर चीज में अप्लाई भी करना चाहिए, रिलेशनशिप्स में भी, इंसानों के साथ मामला के अंदर भी। तो उसमें ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि अगले का दिमाग आप जैसा नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका विजन वो नहीं है, उसको आपकी समझ नहीं आ रही, तो फिर सिर्फ ये दलील पेश करें कि क्योंकि मुझे मोहब्बत है इसीलिए कोई बात नहीं। तो वो जो इरेशनल मोहब्बत जो फिल्मी बॉलीवुड टाइप होती है, वो मुझे समझ आ गई कि भाई वो नहीं चलनी है। और उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स रही उस रिलेशनशिप के अंदर भी, जो कि डिफाइनिंग मोमेंट था लाइफ का भी, जब उससे मैं निकला तो चीजें ठीक होना शुरू हुई। लोग तो कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया और सब खराब हो गया, मेरा तो सब ठीक हुआ ही तब जब मैं ब्रेकअप मेरा हुआ, उसके बाद कुछ ठीक हुआ, तो वो ब्रेकअप की मेहरबानी कि उसके बाद जो है ना वो असल निखार आया, और फिर समझ आई कि अब किस तरह से इंतखाब करना है अपने पार्टनर का भी, अगर कभी करना है तो। ये है कि यस यू कैन से कि उस डेफिनेशन ऑफ मोहब्बत में आप इल्जाम लगा सकते हैं ये वाला कि वो शायद हुई होगी लेकिन अब अगर मैं देखूं तो इट वॉज जस्ट एन इन्फैचुएशन मे बी, बट नॉट लव आई थिंक। और अभी जो आपने इंतखाब की बात की, वो कोई मरहले में पहुंचा है, कोई मराहिल तय हुए हैं, या बस अभी हम इंतजार करें? आप बहुत कुछ कैंसिल करवाना चाह रहे अच्छा छोड़ो। हैं उसमें, हाँ नहीं उसमें ये है कि ये कहना कि एक ज्यादा वो मसला ये होता है कि एक घरेलू जिंदगी से थोड़ा खौफ आता है मुझे, क्योंकि बाजार से ये ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, और जेंडर रोल जो होता है उसमें फिट नहीं बैठता मैं पूरा, और ना चाहता हूँ कि कोई खातून उस पर फिट बैठे, तो इसीलिए वो थोड़ा काफी ज्यादा सोच समझ के उस तरफ जाएंगे, अगर गए भी तो फिलहाल तो ऐसा वहां तक नहीं है मामला। मुजम्मिल, हम लोग अमूमी तौर पे, हमसे मुराद जो पाकिस्तानी लोग हैं, जब भी वो किसी आइडिया को, चाहे वो उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, जब भी किसी आइडिया के पायनियर की तरफ जाना होता है या उनके जो नुमाइंदा लोग हैं जाना होता है, तो मुजम्मिल साहब का भी एक उसमें नाम आता है लिबरलिज्म के आइडियाज़ के लिए। जब आपको कोई आइडिया चाहिए होता है, जब आपको किसी को फ्री वक्त में देखना है, तो आप किसको देखते हैं? मैं अभी उन लोगों की बात, मैं भी फिलोसोफर्स की बात नहीं कर रहा जो चले गए आज के दौर में। किसको पढ़ते हैं, किसको देखते हैं? आज के दौर में यार उसमें ये है कि पर्पस क्या है उस पे डिपेंड करता है। अगर तो मैंने अपना प्रोग्राम करना है ऑफिस जाके, तो जाहिर बात है कि जो करंट अफेयर की इंसाइट है मुझे वो चाहिए। अब उसके लिए मैं खबरें देखूंगा, मैं डॉन का ओपेड पढ़ लूंगा, उसमें तो डॉन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पाकिस्तान में समझता हूँ कि एक ही जर्नलिज्म का सोर्स है जिसको आप सहाफत कह सकते हैं, वो डॉन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इवन जियो भी अब नहीं बचा उस तरह से।
तो ये है कि उसको कंसल्ट कर लेते हैं। अगर जर्नलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने शो करना है या मैंने देखना है कि कल रात की डेवलपमेंट्स क्या हुई थी, इसके अलावा शाहजेब साहब का शो जो है वो देख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें गेस्ट अच्छे आ जाते हैं तो एक डिस्कोर्स पैदा होता है, उससे आइडिया हो जाता है कि यार ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हुई है और आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर मेरी बात करनी है कि मैंने जो अपना पढ़ना होता है या फिर जो मैं अपने वीडियोस में जो आइडियाज बोलता हूँ या सोचता हूँ, तो उसका सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो मेरा मेरा अपना जहन होता है। इस तरह से कि अगर एक एक वाकया हो गया है तो उसमें हर कोई उसको मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा है, मैं इसीलिए कुछ और तरीके से सोचने की कोशिश करूंगा क्योंकि टाइम लूंगा इमेजिनेट करने में। तो इसीलिए अक्सर सोचते सोचते मुझे 20-20 दिन हो जाते हैं, मैं कोई वीडियो नहीं बनाता। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि रोज वीडियो अपलोड कर दो पैसे मिलेंगे, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं सिर्फ आके बोलना तो नहीं है, बोलने को तो आप मुझे बुलवा लें, मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ, मैं 8-8 घंटे की शिफ्ट कर चुका हूँ न्यूज एंकरिंग में, वो बात नहीं है। लेकिन कोई सब्सटेंस भी तो पैदा करना है ना, तो उसके लिए रेपुटेशन नहीं चाहिए। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि इवन दास कैपिटल को देख लें आप, जो मार्क्स की किताब थी, या फिर क्या मिसाल दूं, इसके अलावा और बहुत सी मिसालें हैं, कांट की मिसाल ले लें, जो उसने जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखी और बहुत किताबें, 15-15 साल लगाए इन लोगों ने। कोई 15 साल दे रहा है, 18 साल दे रहा है, 20 साल दे रहा है, तस्वुर नहीं कर सकता मेरी तरह का इंसान कि वो इतना वक्त सर्फ करे आइडियाज को एनरिच करने में। क्योंकि हम तो कहते हैं कि फौरन वीडियो अपलोड की और व्यूज आ गए, बस ठीक है सो जाओ उसके बाद। तो ये है कि मैं खुद जिन लोगों को कंसल्ट करता हूँ वो वही पास के टेक्स्ट होते हैं, और मैं फिलोसफी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूँ करंट अफेयर के अंदर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फलसफे की हमने कब्र खोद दी सिर्फ क्लासों तक उनको महदूद करके, उसको कभी अप्लाई नहीं किया मुआशरे में। और इसमें उस्तादों का, प्रोफेसर साहिबान का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनके हाथ में ये कुल्हाड़ी रही है जिससे वो सर काटते रहे हैं फलसफे का। इसीलिए मैं एकेडमिक्स का भी फैन नहीं हूँ, लेकिन आज के दौर में कह सकता हूँ कि स्टीफन हिक्स एक फिलोसोफर है अमेरिकन, वो जिंदा है अभी और बड़ी जबरदस्त किताबें लिख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में बेहतरीन फलसफियों में से एक है। इसके अलावा एक दौर था जब मुझे जॉर्डन पीटरसन भी पसंद था, उसको भी देखते रहे, और अब तो खैर वो कोई खास नहीं लगता। पाकिस्तान में अगर देख लिया जाए तो खास पाकिस्तान में नहीं कह सकता, डॉक्टर तैमूर को भी मैंने एडमायर किया था जब उनसे मुलाकात हुई थी, कि आपकी जो फिलोसफी सीरीज थी वो मैंने देखी, उससे इंस्पिरेशन ली एज अ स्टूडेंट। तो इसके अलावा कम ही लोग हैं जो मैं कह सकूं कि जो अभी हयात हैं, जो जिंदा हैं, जिनको मैं इस तरह से, हाँ चॉम्स्की इज वन ऑफ दोज पीपल, चॉम्स्की के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिवली उसने काम किया है मैं सोच भी नहीं सकता कभी, अगर मैं उतनी उम्र तक पहुंच भी जाऊँ ना 96 साल की, तो वो कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ओपन लेंस और किताबों के अंबार, आप किसी स्टोर में जाएं तो उसकी एक पूरी शेल्फ होती है चॉम्स्की की अपनी, और इतना हम्बल है कि आज तक वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को इंटरव्यू देता है आके, और तहरीकों का हिस्सा रहा है। तो ये चंद लोग इस तरह के बचे हैं, इसके अलावा सेलिब्रिटी क्लास ही बची है कि आप कोई स्पोर्ट्समैन को एडमायर कर लेंगे, टिकटॉकर को कर लेंगे आज के दौर में, इसके अलावा नहीं। सैम हैरिस भी इज वन ऑफ दोज पीपल जो शायद कह सकूं कि उसका कुछ पढ़ा सीखा किसी दौर में, हिचिन्स के भी आइडियाज काफी रेडिकल थे, तो अपील कर रहे थे लेकिन बाद में उसमें भी मसाइल नजर आए। तो यही कुछ लोग हैं जिनके नाम ले सकते हैं। फिलोसफी को साइड पे रखिए, खाली और जहन हो के बस अब आपको कुछ भी देखना है तो कोई चैनल्स हैं यूट्यूब पर या ओवरऑल कोई राइटर्स हैं जिनको बस आप देख लेते हैं जब वो अच्छा, खाली यूट्यूब और चैनल, जहन होता है? हाँ उसमें एक चैनल है एकेडमी ऑफ आइडियाज, वो बड़ा अच्छा चैनल है यूट्यूब पे। इसके अलावा एक फिलोसफी के प्रोफेसर है, माइकल सुग्रू नाम है उनका, उनका एक चैनल है, उसको देख लेते हैं। पाकिस्तान में एजाज सैयद साहब का जो काम है सहाफत में, उसको काफी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि बड़ा अरसे से वो आजकल के मौसमी इनकलाबी एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, वो उस दौर से हैं जब मार्शल लॉ के दौर थे। तो अभी उनका और उमर चीमा साहब का एक टॉक शॉप के नाम से यूट्यूब चैनल भी बना है, तो उनकी वीडियोस फॉलो कर लेता हूँ। असद तूर साहब को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो काफी, मतलब उसका भी मुझे काफी सिमिलैरिटीज लगती हैं उसके एनालिसिस में, उसका जो एक गुस्सा होता है ना अंदर का, जो वो नजर आ रहा होता है उसकी कॉमेंट्री के अंदर, तो उसको देख लेता हूँ, क्योंकि काफी ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की वो ब्लॉग्स करता है, रिसर्च भी कर लेता है। इसके अलावा मतलब ये जर्नलिज्म में ही पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ कि जो सोर्सेज हैं। एंटरटेनमेंट में मैं इतना जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से खतरा रहता है और खौफ आता है कि मुझे ये इसी तरह लगता है कि जिस तरह आपकी खाने की प्लेट पे कुछ है जो आप खा रहे हैं वही बनेंगे बाद में।
अगर आप रोज हैमबर्गर खाएं या रोज बीफ बर्गर खाएं तो आपका पेट निकल आएगा, ड्रिंक्स पियेंगे तो ओबीस हो जाएंगे। इस तरह अगर आप एंटरटेनमेंट फीड करते रहेंगे अपने दिमाग को तो रैशनैलिटी बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए मैं उससे बहुत सोच समझ के 2-3 महीने बाद बैठ के 2 घंटा रिसर्च करके इंतखाब करता हूँ कि एक फिल्म कौन सी देखनी है, कि कहीं उस 2 घंटे में कोई ऐसी बात ना हो जाए जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो। तो मैं फिल्म के अंदर भी यही तलाश करता हूँ कि कुछ मिल जाए उससे, जो कि बड़ा हार्श है क्योंकि कभी कभी इंसान को लाइट भी फील करना चाहिए। मुझे मालूम है लोग कहते भी हैं ये, लेकिन मेरी वालिदा भी यही कहती हैं कि अब रात को थक के आगे बैठे हो, अब भी यही बकवास लगाइए, ये बंद कर दो इसको। लेकिन मैं उस टाइम भी बैठ के कोई डॉक्यूमेंट्री लगा लूंगा। मुझे जर्मन हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने नाजीज की कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं छोड़ी जो ना देखी हो, बिकॉज आई डीपली ऑब्जर्व दैट हाउ डिड दे ऑपरेट। और इसके अलावा उन पर किताबें भी बड़ी पढ़ी हैं, तो इसके अलावा जो प्री नाजी जर्मनी था उस पर भी बड़ी चीजें देखी पड़ी। तो हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी पसंद करता हूँ, शौक से देखता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल टाइम। उस पर कोई ऐसी फिल्म नहीं जो मैंने छोड़ दी हो या डॉक्यूमेंट्री ना देखी हो। तो वॉर हिस्ट्री इज माई एंथुजियाज्म और उसमें बहुत डीपली इंटरेस्टेड हूँ मैं, और उस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ उन चीजों की। दैट्स अबाउट इट। मुजम्मिल, चंद आखिरी हाँ, सवाल। एक चीज रह गई जी कि प्लीज प्लीज प्लीज। रैप म्यूजिक वॉज वेरी यू नो इट वॉज अ स्ट्रेंज पार्ट ऑफ माई लाइफ, जिसमें कोई मानता नहीं है अभी कि यार ये किस तरह चला गया था तू। सो देर वॉज अ पॉइंट इन कॉलेज व्हेन आई वॉन्टेड टू बी अ रैपर एक्चुअली, और उसमें लिख भी रहे थे और ये एक दो वीडियोज भी बनाई थी इस तरह की, जो अब मैंने सफाई हस्ती से मिटा दी है कि कोई देख के कोई शौक में ना चला जाए। तो लेकिन वो ये था कि उसको भी एज अ फिलोसफी फॉलो करता था मैं रैप को भी, क्योंकि वो बड़ी कन्फ्रंटेशनल थी और उसमें एक सोशल इश्यूज की एक कॉमेंट्री हुआ करती, जो सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ म्यूजिक है जिसमें सोशल इश्यूज जो है ना आप सुन रहे होते हैं एक्टिवली सिंगर्स को बोलते हुए। सो टूपाक बड़ा पसंद था, और वो जो अमेरिकन रैप का जो बूम था 90s में उसको बड़ा फॉलो किया। सो या आई मीन दैट्स अबाउट इट। अगले सवाल पे जाने से पहले, क्या ये मुमकिन है कि कभी हम आपसे कोई रैप सुन भी सकेंगे कभी? नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पड़ी हुई है, वो मैंने की थी पोस्ट, और लोग अब भी कुछ जो है ना वो हैरत में मुब्तला है कि यार ये मतलब किस तरफ चल पड़े हो आप। तो वहां पे देखी जा सकती है, वो चले आपको मुजम्मिल, लिंक बहुत शुक्रिया। चंद आखिरी सवाल। मुजम्मिल, डर लगता है किसी किसी चीज से जिंदगी में? लाइक वो कोई भी चीज हो सकती है, इंसान हो सकता है, कोई डर है जिंदगी में? बहुत ज्यादा है जी। वो पहले तो इतना ज्यादा था कि मेरे बेसिक फीचर ही पर्सनालिटी का खौफ था। तो वो ये है कि मैं नहीं समझता कि बहादुरी ये होती है कि खौफ है ही नहीं और आप बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं। वो मैनेज करना होता है फियर को। अगर आप मैनेज कर जाते हैं तो लोग कहते हैं यार क्या बंदा है यार, छा गया, ये तो इतना बहादुर है, ये तो शेर है। जिस तरह मुझे भी कहते हैं, मैं कहा अच्छा ये ऐसे ही है, मुझे तो नहीं पता चला। तो वो ये है कि कहना चाहिए कि मतलब एक तो ये था कि जो मेरी पोटेंशियल था सारी उसको ट्रांसलेट किए बगैर जिंदगी का खत्म हो जाना, दैट वॉज अ फियर। क्योंकि मुझे लगता है कि एक चीज जो थी जो नेचर की तरफ से मिली है, तो अगर उसको मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा, मैक्सिमाइज नहीं करूंगा और उससे पहले मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो दैट वुड बी अ डिजास्टर। तो क्योंकि मैं हेगल की उस थ्योरी पे यकीन करता हूँ कि हर इंसान की एक कॉन्ट्रीब्यूशन होती है टूवर्ड्स द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जो स्पिरिट होती है फ्रॉम नॉन अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग, कि कम समझ से ज्यादा समझ की तरफ ट्रेवल करता है इंसान, तो वो उसमें अपना हिस्सा डालना और उसका खौफ रहा है। फिर इसके अलावा हेल्थ इश्यूज मुझे काफी ग्रेव रहे हैं, 3-4 बार तो ऐसे भी हो चुका है कि आई मीन आई हैड नो गारंटी दैट आई विल सर्वाइव। इवन लास्ट ईयर हुआ है जब मुझे हेमरेजिक फीवर हुआ और मेरे कोई 8-9 हज़ार प्लेटलेट्स रह गए थे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि 48 घंटे हैं, अगर इसके पानी निकल आया ये लंग्स से तो ठीक है, अदरवाइज देखी जाएगी। तो उस टाइम बेड पे पड़े हुए ये सोच रहे थे कि अब क्या करना है, तो आसपास घर वाले बैठे हुए हैं और वो कोई रो रहा है, कोई परेशान है, कोई कुछ है, तो वो काफी रहे हैं। तो उस तरह से ये नहीं लगा कि यार कोई मौत से ऐसा डर लगे कि यार ये अभी ये ना हो वो ना हो, लेकिन ये कि सफरिंग वो वाली जो है ना, जो मेडिकल जो मुझे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे, आई डोंट वांट देम टू बी रिपीटेड, इसलिए मैं ख्याल भी करता हूँ उन चीजों का। ये वो लेकिन ये बिल्कुल इंसान के जो है वो बस में नहीं होती ये चीज, तो उसको भी कभी सोचता है इंसान के यार ऐसा ना हो जाए कि आप जो है ना वो डिपेंडेबल हो जाए किसी के ऊपर। सो दैट्स दीज आर द थॉट्स दैट कम टू माई माइंड के यार, बाकी तो सारा वो पास्ट में जो जितने भी फियर्स थे उनको वन बाय वन आई केप्ट डिफीटिंग देम यू नो बाय क्रिएटिंग द ऑल्टरनेटिव। तो 99% पे मैंने कंट्रोल हासिल कर लिया और जो चंद रह गए होंगे वो ये होंगे और कोई नहीं। कोई खास वजह है ये हेल्थ का अगर कंटिन्यूअस नहीं भी तो रेयरली, लेकिन बहुत ग्रेविटी के साथ खराब होना?
नहीं, वो इतनी नहीं रही। असल में ये था कि फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इट वॉज डिप्रेशन, और मुझे आइडिया नहीं था उसका कि ये अच्छा ऐसे भी होता है। बिकॉज मैं सोच रहा होता था कि यार ये चीज मुझे यहाँ पर ये चीज महसूस हुई है, तो ये कोई कैसे कह सकता है कि इसका ताल्लुक दिमाग से है आपके। जाहिर बात है हमारे यहाँ पे कौन थेरेपी लेता है भाई, कौन जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास? तो लोग तो मानते ही नहीं नफ्सियात को, वो कहते हैं जाओ जाके दम करा लाओ इसको, ये करो वो करो, तो वो इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो शुरू में रहे हैं ऐसे मसाइल, क्योंकि वो डेंगी फीवर मुझे 2 बार हो चुका है और बड़ा सिवियर टाइप हुआ था, और तो कोई ऐसा मसला नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इट वॉज डिप्रेशन, जो कि इतना ओवरवेलमिंग था कि आई यूज टू फील के यार आई एम नॉट बींग एबल टू सर्वाइव। और जो उससे निकलने के बाद 1-2 बार जो हुआ है वो भी डेंगू की वजह से हुआ है, वो उसके अलावा तो कोई खास एपिसोड नहीं है इस तरह का। सो इट वाज मोस्टली फियर एंड इट वाज अ साइकोलॉजिकल ड्यूरेस दैट आई व्हिच आई वाज फीलिंग एक्चुअली, जो जो मुझे बायोलॉजिकल लगती थी लेकिन थी नहीं। और उससे भी कम कोई बीमारी होती नहीं, क्योंकि आपकी रियलिटी सारी आपके सर पे हावी हो जाती है कि यार आपकी मोटिवेशन नहीं है कोई काम करने के लिए। आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं आपको, फिर भी अपना आप अच्छा नहीं लग रहा। तो ये है कि इन चीजों से वो एक बहादुरी से फेस करना पड़ता है इनको, और इनके नीचे नहीं दबना चाहिए ये सोचता हूं मैं। तो एक डोपामिन की कमी दिमाग में हो जाती है कभी कभी, तो उसको इंसान को कोई सोर्स पैदा करना चाहिए उसको बैलेंस करने का। मेरा अगला सवाल यही था कि आपकी मेंटल हेल्थ अमूमी तौर पे कैसी रहती है, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया। मुझे बस 3 आखिरी चीज़ बता दीजिए। आज जब आपके पास फाइनेंशियली थोड़ी बेहतर सिचुएशन है पहले से, आपको लोग जानते भी हैं, इज्जत भी करते हैं, इख्तिलाफ भी करते हैं, तमाम चीज़ें, तो आज किसी को आप मिस करते हैं कि यार ये फलां शख्स काश जिंदा होता या मेरी ज़िंदगी में होता, जो आज मुझे इस तरह भी देख लेता, जो देखता कि अब मुजम्मिल कुछ कामयाब भी है? नहीं, मिस तो नहीं करते, जो लोग जलील करते थे उनको खुशी होती है कि अब ये देख के सड़ रहे हो। नहीं मतलब मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद है कोई पिछले हफ्ते मुझे एक बंदे के मैसेज आई जा रहे थे काफी ना, वो ही इज अ मैन ऑफ ऑलमोस्ट इन हिज 50s। तो मुझे बड़ा एक एपिसोड बड़ा क्लियर याद है कि मैं क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ घर के बाहर, और वो मेरे घर से निकल रहा है किसी अजीज से मिलने के बाद। मुझे वो कहता है कि तुमने इस तरह ही आवारा फिरते रहना है, और तुम जाहिर ही रहोगे मेरे बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं, तुम किसी काम के नहीं, नलायक को बाहर गलियों में खेलो इस तरह ही। मुझे याद था, मैंने कहा ठीक है जी, मैं बड़ा इंसल्टेड फील किया ये वो। तो अब वो कोई 2 हफ्ते हो गए हैं तो वो फोन वगैरह करता है, मैं उठाता नहीं। सो यू नो यू 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 फील दैट स्वीट रिवेंज सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग। लेकिन ये है कि पॉलिटिकली करेक्ट आंसर तो नहीं देता इन चीजों के मैं, बट आई डोंट मिस एनीवन। यस आई फील के काश ऐसा होता कि उस टाइम जिन लोगों ने मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की उनको पता होता कि ही विल एंड अप इन अ बेटर प्लेस, सो ही इज नॉट एज बैड एज यू थिंक ही इज। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मैंने कोई नोबेल प्राइज जीत लिया है, बट जिस तरह जिन जिन जगहों पे उन्होंने मुझे रखा हुआ था जहनी तौर पे, वहां पर मैं असल में नहीं था, मुझे उस टाइम भी मालूम था। तो एक रिग्रेट तो नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन लोगों से मुराद एक चीज जो फील होती है वो यही होती है कि काश इनको उस टाइम होश होती कि अगर इसको जरा इजीली ट्रीट करो तो इतना बुरा रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन नहीं किया उन लोगों ने, बट मैंने कभी भी ब्लेम गेम ये वाली नहीं खेली, ना किसी का इंतजार किया है, ना किसी के ऊपर अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की कोशिश की है, हर चीज को अपने सर पे लिया, और किसी के कसूर को भी यही कहा है कि ये मेरा था। ठीक है, तो आई हैव बीन वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ, और ये बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी है कि ईजी हो जाओ। तो ये है कि कोई वीडियो भी देख रहा हूँ, कोई और चीज देख रहा हूँ, लोग तारीफ कर रहे होते हैं और मुझे बकवास लग रही होती है अपनी, क्योंकि अपने आप को भी बहुत हार्शली रिव्यू करता हूँ, और मेरे से बेहतर मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर तनकीद कोई नहीं करता। क्योंकि जब मैं अकेला बैठा होता हूँ तो अपने आप को छोड़ता ही नहीं हूँ कि यार ये क्या हरकत की है, आम लोग तो फिर कोई गुंजाइश दे देते होंगे मुझे, इसीलिए मुझे गालियों से और लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेरा जो दिल करता है मैं कह देता हूँ, और बहुत से लोग पूछते हैं उससे मेंटल हेल्थ खराब नहीं होती जब लोग इतना बड़े नंबर में आपको अपोज करते हैं, गालियां देते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जिस तरह का एक्सपीरियंस है मेरा ये कुछ भी नहीं है। बिकॉज आई फेस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स के सर्वाइव भी करना या नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया पे गालियां ही आ रही है ना, आती रही। मेरी फिलोसफी ये थी कि ज्यादा बड़े नंबर को अग्री नहीं करना चाहिए आपसे, आपके अगेंस्ट होना चाहिए। तो या आई कांट से कि देयर इज समबडी जो शायद होता और ये वो, नो आई डोंट फील दैट। आजकल या ज़िंदगी में अगर आप रिसेंटली भी देख सकें, दिल की बातें किससे करते हैं? कोई है जिससे जब मुजम्मिल को दिल की बात करनी हो तो उससे करते हैं?
दिमाग की बात नहीं होती है हमारे पास, दिल की नहीं होती फिर भी कह सकते हैं एक दो लोग हो सकते हैं, वन और टू आई कैन मे बी, एट मैक्सिमम टू पीपल मे बी, और उसमें यही है कि आई हैव अ गुड, आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड मे बी आई कैन से, के बता देता हूँ उसको, उसके अलावा तो नो, आई डोंट से दैट। और इतना आदी भी नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा वो शेयरिंग का शौकीन जो होता है ना इंसान के, वो हर जगह बैठ के गॉसिप करनी है या बताना है कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो बोस्ट नहीं करता, और जहाँ जाओ उस तरह के माहौल में फिट होने की कोशिश करते हैं, तो या कोई इतना फील नहीं होता कि बहुत दिल की बातें करनी है। लेकिन एक आध बंदा ही अगर आपको समझने वाला हो जाए ना, जो पूरा दिमाग समझता हो गया यार ये बात कर रहा है, इसके ये वजह है और इसका ये सोल्यूशन है, तो दैट्स इनफ, यू डोंट नीड अ लॉट। तो जिसके बहुत ज्यादा दोस्त हो वो किसी का दोस्त नहीं होता मुझे लगता है, क्योंकि वो सबको इक्वली ट्रीट कर रहा होता है। जमीन, आखिरी दो सवाल। कभी दिल करता है कि यार ये जो मुश्किल आइडियाज हैं, तमाम चीज़ें, इन सब को छोड़ के एक बस आसान सी ज़िंदगी गुजारी जाए, हुंजा में जाके कोई घर ले लें और बस वहाँ रहा जाए। हाँ वो रिस्पाइट बड़ी जरूरी होती है, और वो करता है लेकिन बड़ा मोमेंटरी होता है, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि बात ये है कि अगर आप में इतनी कन्फ्रंटेशनल एनर्जीज हैं तो वो पागल ही कर देंगी आपको, अगर आप आसान जिंदगी का इंतखाब कर लें। तो नीचे ने कहा था ना, अंडर द कंडीशंस ऑफ पीस अ वॉरियर अटैक्स हिमसेल्फ, कि अगर आपको लड़ने लड़ने का शौक है और अगर अमन कायम हो जाए तो आप तो अपने आप पे ही हमला करेंगे, और तो कोई नहीं बचता। तो यही है कि मुझे सिंप्लिसिटी और आसानी में फंक्शन ही नहीं करना आता कभी भी, इवन के न्यूज के अंदर भी, करियर में भी, जो रूटीन का स्क्रिप्ट वर्क था वो मैं खास नहीं करता था। मेरी सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी स्पेशलिटी ये थी कि ये ट्रांसमिशन बहुत अच्छी करता है, जो एकदम से सिचुएशन आती है उसमें कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है, तो उसको एंजॉय कर लेता हूँ। लेकिन जो आसान तरीकाकार होता है, जो स्क्रिप्टेड तरीकाकार होता है, जो मोनोटोनस जिंदगी होती है, वो कभी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें चैलेंज नहीं होता, और चैलेंज के बगैर वो बेस्ट निकल के आता ही नहीं है, ना कभी मोटिवेशन होती है बहुत अच्छा करने की। लेकिन हाँ ऐसा टाइम आता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, आई लाइक टू गो टू द नॉर्थ इन पाकिस्तान, और वहाँ बहुत दफा जा भी चुका हूँ और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है वहाँ पे, डिफरेंट कल्चर्स को ऑब्जर्व करके, उन लोगों से बात करके। तो या आई टेक दैट रिस्पाइट, बट मैं अपने माइंड को नम करने का बिल्कुल आदी नहीं हूँ, और इसीलिए मैं हर उस चीज से दूर रहता हूँ जो मुझे रियलिटी से दूर लेके जाए, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या वो इंटॉक्सिकेंट्स हो या वो अल्कोहलिज्म हो, तो मैं हर उन चीजों के खिलाफ हूँ। इसीलिए मैंने वो शराब नोशी की इंतहा के खिलाफ बात की, तो मेरे ऊपर उन्हीं लिबरल्स ने इतना अटैक किया, जो आप अभी मुझे पूछ रहे थे कि आप खुलेआम कहते हैं, और मैं कैंसिल हुआ हुआ था हर जगह से, बहुत गालियां पड़ी मुझे, इनफैक्ट उससे आगे भी काम चला गया। तो वो यही है कि मैं समझता हूँ कि लॉजिक जो है वो जिंदगी से निकलनी नहीं चाहिए, और उसमें अपने दिमाग को बंद करने का शौकीन नहीं बिल्कुल। जमील, आखिरी सवाल। खुश हैं जिंदगी में? नहीं अब मैं समझता हूँ कि आई थिंक द 29 ईयर्स ऑफ माई लाइफ जो सारी रही है, उसमें इससे बेहतरीन हिस्सा कोई भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो ये नहीं है कि लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं या लोग जानते हैं, वो तो और चीजें हैं ना, वो प्रोफेशनल चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो मसाइल थे उनके साथ, जो एक तवील जंग लड़ी, उसमें एंड पे मसाइल की जो है ना हार होते देख ली अपने सामने, और हर एतबार से, चाहे वो प्रोफेशनल हो या वो पर्सनल हो, डोमेस्टिक हो, सोशल हो, उसमें ये है कि उससे बेहतरीन चीज कोई नहीं होती, और इतना ज्यादा उसका इत्मीनान होता है कि अब आप कहते हैं कि यार अब जब अब बेशक अगर कुछ खत्म भी हो जाए ना तो कोई मसला नहीं है आपको, बिकॉज यू रेडी टू गो। ये चीज है कि आई थिंक आई कैन से दैट आई एम हैप्पी, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस ओनली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिंदगी का मकसद खुश रहना बिल्कुल नहीं है। खुशी जो होती है वो मीनिंग को परसू करने का बाय प्रोडक्ट होता है, तो अगर मीनिंग के लिए आपको, जिस तरह हम जिम में जाते हैं और मैंने कोई हैवी डंबल्स उठाए हुए हैं, तो मसल तो दर्द कर रहा है उस टाइम, क्या खुशी मिल रही है, लेकिन जब निकल आओगे अगले दिन सो के उठोगे तो शेप थोड़ी बेहतर लगेगी जिस्म की, थोड़ा फिट फील करोगे, तो वो जो पेन और एंड्योरेंस है ना, उसके बगैर मैं नहीं समझता कि कुछ भी अच्छा अचीव होता है। तो कभी भी हैप्पीनेस को परसू ही नहीं किया एक्टिवली, कि पागलों की तरह कुछ लोगों को मैंने हंट करते देखा है कि वो पार्टीज में जाते हैं या फिर उनका दिल करता है किसी तरह रिक्रिएट हो जाए, किसी तरह अच्छा लग जाए, सो दे आर वेरी हेल्पलेस एंड होपलेस पीपल, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि अपनी कंपनी में कैसे कंटेंटेड फील करना है, सो दे रश टू अदर पीपल, यार मुझे इससे ये मिल जाए, उससे वो मिल जाए, तो मेरा वैसा नहीं रहा बिल्कुल भी, और आई मीन अ कप ऑफ कॉफी
and a good afternoon and I can sit in my lawn and have the best time in the world. I don't need anyone, या फिर बाहर जाके कोई किसी क्लब में जाए बगैर मुझे अच्छा ना लगे या कोई खेलने के बगैर ये वो. तो ये है कि कम रिसोर्सेस के अंदर रह के मीनिंग को परसू करने ने हैप्पीनेस थोड़ी सी जिंदगी में ऐड की है, और अभी भी हैप्पीनेस गोल नहीं रहेगा आगे भी, क्योंकि अगर वो गोल हो जाए तो फिर आप आसाइशों के आदि होके सिर्फ उस तरफ लगे रहते हैं और हर चीज से डिरेल हो जाते हैं. सो या आई कैन से दैट दिस इज द हैप्पीएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, एंड इवन इफ इट डज नॉट परसिस्ट आई डोंट हैव एनी इश्यूज. मुजम्मिल, मैंने आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया और इसमें पूरी सिर्फ कोशिश ये थी कि आपको एक इंसान की हैसियत से जाना जाए। इस तमाम मरहले में कोई ऐसी चीज़ अगर रह गई है आपके ख्याल में जो पब्लिकली कह सकते हैं आप, तो प्लीज़ उससे हमें नवाजी और फिर हम इसे एंड करते हैं। पब्लिकली मैसेज क्या मतलब, अपने बारे में या नहीं, ओवरऑल आपको जो भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी का अहाता करने के लिए जो हमने बात कर ली वो काफ़ी है, या ज़िंदगी का कोई और पहलू रह गया है जो मैं नहीं पूछ सका आपसे, तो वो हमें बताइए और फिर हम इसे एंड करते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कोई, हो सकता है कि माइन्यूट डिटेल्स ना हो लेकिन जो इश्यूज थे सारे वो तो जाहिर ही बात है वो हो सकते हैं, इन्हीं में से इन्हीं के अंदर ही होंगे. और यही है कि मतलब ओवरऑल बहुत से लोग आपको मिस अंडरस्टैंड करते हैं, और 90% लोग मुझे यही कहते हैं तुम हंसते भी हो कभी, हालांकि जो दोस्त हैं वो, जो करीबी दोस्त हैं वो ये कहते हैं कभी सीरियस भी होते हो. तो अब ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो आपके काम में रिफ्लेक्ट नहीं करती और लोग आपको मिस अंडरस्टैंड भी करते हैं, जिससे मुझे मसला नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी जो काविश है ये वाली, और उससे शायद लोगों को ये कुछ हेल्प मिले कि उनको लगे कि यार ये जो हम सोच रहे थे ये शायद कोई और चीज़ है, तो इसीलिए मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ. और जिस ऑनेस्टी के साथ आप काम कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता कि अपनी ओपिनियन को बिल्कुल साइड पे रख के, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू से दैट वेयर वेयर योर आइडियोलॉजी एक्चुअली लाइज, एंड दैट दैट माइट बी अ फीचर ऑफ योर वर्क. सो इट्स वर्दी एंड आई थिंक यू शुड कंटिन्यू दिस. थैंक यू सो मच मुजम्मिल, आपके वक्त का भी और आखिर में आपकी आपकी मोहब्बत का भी बेहद शुक्रिया। थैंक यू, गुड लक. वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगी। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें तो पेट्रियॉन, पेपैल और इजी पैसा के ज़रिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।